Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello, good morning all. Welcome to Testbook. Yes guys, so welcome back. कैसे सब लोग? Okay, good morning to everyone. चलो जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से session को share कर दीजिए, like कर दीजिए. चलो guys, yes, good morning to everyone. एक दिन का हमारा गैप था ड्यू टू वीकेंड, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. के चलो, सो आज हमें रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन के ऊपर हम लोग बात करेंगे. के टुडे विल नॉट कवर एनी न्यूज, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द रिवीजन जो हमने लास्ट वीक में देखा था, उसके एमसीक्यूज एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सारी न्यूज को एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे सामने थी. तो यस गाइज, चलो जल्दी से जुड़ जाइए, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए. के और जल्दी जुड़ जाइएगा दोस्तों. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. यस हेलो या सो स्टार्ट करते सेशन को. सेशन को स्टार्ट करने से पहले कि हमारा मोटिवेशनल कोड जो नॉर्मली हम लोग हमेशा देखते हैं, विल टॉक अबाउट दैट के अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अनटिल द गोल इज अचीव्ड. स्वामी विवेकानंद साहब का एक कोट है, बड़ा बेहतरीन कोट है, और इसी कोट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को. दैट वी शुड बी अराइज, वी शुड बी अवेक एंड स्टॉप नॉट अनटिल द गोल इज अचीव्ड इज अ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. के चलो यस, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. वंस अगेन स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को. के आपका पहला एमसीक्यू आपके स्क्रीन के ऊपर, सो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दैट. के चलो यस गाइस, चलो बताइए. अंडर द सतत इनिशिएटिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड एमओयू टू द सेटअप ऑफ हाउ मेनी कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट. सतत की हम लोग बात करते हैं, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ सतत. ये सतत का फुल फॉर्म है. के वापस एक बार फुल फॉर्म रिपीट करता हूं, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ सतत. नाउ इस इनिशिएटिव के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो बायोगैस प्लांट को, कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट को क्रिएट करेंगे. उसके लिए एमओयू साइन किया बहुत सारे कंपनीज के साथ. तो मुझे बताइए एग्जैक्टली कितने बायोगैस प्लांट को सेटअप करने की बात अभी गवर्नमेंट ने की हुई है. के यस, सो देयर आर मेनी आंसर्स कमिंग राइट नाउ. के यस एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया. आंसर इज 900. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट आंसर. 900 बायोगैस प्लांट्स की हमने बात की हुई है दैट वी आर क्रिएटिंग. सो जितनी भी लीडिंग ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज है, वी आस्क देम टू क्रिएट दीज प्लांट्स एंड दे आर क्रिएटिंग 900 प्लांट्स ओवर ईयर. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली दिस इनिशिएटिव. मेनी क्वेश्चन विल बी आस्क ऑन दिस इनिशिएटिव. अगेन आई एम रिपीटिंग द फुल फॉर्म, दैट इज सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन. सो वी आर फोकसिंग ऑन द ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन in India and that's why this is created by the government of India. So यहां पे इस चीज के ऊपर, इसके फुल फॉर्म के ऊपर काफी क्वेश्चन आप एग्जाम में फेस करने वाले हो. okay, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते हैं. Which of the following country has become the fourth country in the world have to have its independent regional navigation satellite? सिस्टम रिकॉग्नाइज बाय द इंटरनेशनल मैराटाइम ऑर्गेनाइजेशन. आईएमओ की बात करते हैं, आईएमओ लंदन में उसका आईएमओ का हेडक्वार्टर है, और 1948 में लंदन के अंदर वी हैव क्रिएटेड दिस आईएमओ इंटरनेशनल मैराटाइम ऑर्गेनाइजेशन. नाउ आई एम द क्वेश्चन इज दैट विच कंट्री रिसेंटली और द विच फोर्थ कंट्री रिसेंटली गॉट द परमिशन फॉर द रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. यस गाइज, इसके पहले ऑलरेडी तीन कंट्रीज के पास ये है. अभी इस बार तो हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया गॉट दैट परमिशन, पर इसके पहले इट वॉज विद यूएसए. के नाउ चाइना एंड रशिया, ये तीन कंट्रीज ऑलरेडी है जिनके पास ये सैटेलाइट सिस्टम यूज करने की परमिशन थी. नाउ इंडिया के अगल बगल में जितना ओशनिक एरिया, जितना ओशन वाला एरिया है, वहां पे भी अभी हमारे सैटेलाइट प्रॉपरली काम करेंगे. के एंड दे आर गोइंग टू वर्क, एंड उसके लिए आईएमओ की परमिशन, इंटरनेशनल मैराटाइम ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन बहुत जरूरी थी. And we got the permission. So इस एरिया में जितनी ships घूमेगी, इस एरिया में जितनी ships जाती है, वो सारी ships, all those ships can use our satellite system. All those ships will use a proper satellite system created by the Indian government. के जो हम बात करते हैं ISRO की बात करते हैं, so 1500 kilometer का जो area है सराउंडिंग इंडिया, उस ओशनिक एरिया में इसका काफी अच्छा वर्क है. ये काफी अच्छे से जजमेंट देता है, एंड दैट इज अ पॉइंट मेंशन बाय द आईएमओ, एंड दैट्स व्हाई इसको परमिशन मिली हुई है. बट 1500 kilometer का एरिया देखना इस एरिया में जो हमारा हमारे कंट्री के अगल बगल में, एंड दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनारियो. ठीक है, तो याद रखना
द किलोमीटर मेरे ख्याल से यस किसी ने कमेंट सेक्शन के अंदर भी डाल दिया, विग्नेश ने, यस बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पहली कंट्री यूएस, चाइना, रशिया एंड देन इंडिया। फाइन, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। नाउ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया मॉन्ट्रियल के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ओके, नाउ इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उसका भी हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल के अंदर है। दोनों मॉन्ट्रियल कैनेडा से ही दोनों काम करते हैं। नाउ इस इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का काम ये होता है, जो भी एयर ट्रांसपोर्टेशन है जो भी पूरे वर्ल्ड में जो कार्गोज जाते हैं बाय एयर, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट करने की जिम्मेदारी ये IATA की होती है। ये इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्क करता है। ठीक है, चलो। नाउ मैंने आपको सिविल एविएशन की बात की थी। सिविल एविएशन, हर कंट्री में सिविल एविएशन होते हैं, उसके ऊपर इसी की एक सिस्टर कंपनी है, जो सिस्टर एसोसिएशन है, जो वॉच रखती है। नाउ वी आर हैविंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उसके नए डायरेक्टर जनरल का नाम बता दीजिए। यस गाइज, यस। आयरलैंड से बिलोंग करते विली वॉल्श की बात करेंगे। यस, बिलोंग्स टू द आयरलैंड एंड नाउ ही वाज अ फॉर्मर सीईओ ऑफ इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप, के पहले सीईओ रह चुके हैं, के वहां से रिटायर हो गया। नाउ ही इज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये अथॉरिटी याद रखेगा मॉन्ट्रियल के अंदर, ये अथॉरिटी काम करती है मॉन्ट्रियल विच इज इन कैनेडा, यहां से अथॉरिटी काम करेगी। इसके अलावा सिविल एविएशन की बात करते, ये तो ट्रांसपोर्ट है, तो एयर ट्रांसपोर्ट वाले कार्गो वाले लोग हैं। सिविल एविएशन की जो अथॉरिटी है उसका भी हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल के अंदर ही है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत मैटर करेगा। यस, विग्नेश एक अच्छा पॉइंट मेंशन किया था, तब मैंने लेक्चर के टाइम भी आपको बोला था कि ओरिजिनली द एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर वाज इन क्यूबा। के क्यूबा के अंदर इट वाज स्टार्टेड, के हमने क्यूबा के अंदर स्टार्ट किया था, हवाना, हवाना के अंदर स्टार्ट किया था। बाद में जब इश्यूज होना शुरू हो गए हवाना क्यूबा के अंदर, बिकॉज काइंड ऑफ अ लेफ्टिस्ट कंट्री, सो वी शिफ्टेड इट टू द मॉन्ट्रियल टू द कैनेडा एंड दैट इज द सिनेरियो। ओके, सो यूएस के नीचे से डायरेक्टली यूएस के ऊपर उसको शिफ्ट करवा दिया। अगर आपको मैप अच्छे से देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यस यस, वाडा का भी हेडक्वार्टर मनीष मॉन्ट्रियल के अंदर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो। मुथूट फाइनेंस हैज टाइड अप विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोवाइड इंश्योरेंस ऑन गोल्ड ज्वेलरी एज अ पार्ट ऑफ द न्यू इनिशिएटिव मुथूट गोल्ड शील्ड। मैंने कहा था मुथूट फाइनेंस में अगर आपने गोल्ड गिरवी रखा, के आपने लोन लिया, बाद में लोन आपने चुकता कर दिया, के लोन आपने पे कर दिया, जब आपके पास गोल्ड ज्वेलरी आएगी तो आपको एक इंश्योरेंस ऑफर किया जाएगा कि आप गोल्ड ज्वेलरी के लिए इंश्योरेंस लीजिए, उसको गोल्ड शील्ड कहते हैं। तो आप जब घर पे गोल्ड लेके जाओगे, सपोज कुछ हो गया, के सपोज चोरी हो गई या कहीं पे कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसे वक्त में ये आपको काफी अच्छे से प्रोटेक्शन देगा। सो इट्स काइंड ऑफ अ यूनिक थिंग, के और ये यूनिक थिंग क्रिएट की हुई है बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जब भी जनरल इंश्योरेंस की बात आती है इंडिया में, कोई नई नई यूनिक जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये मोस्टली बजाज आलियांस ही क्रिएट करता है। के इसकी खासियत है, बजाज आलियांस बेसिकली इज वर्किंग फ्रॉम द पुणे, उसकी खासियत है बजाज, बजाज इज अ इंडियन कंपनी, आलियांस इज अ जर्मन कंपनी। आलियांस के पास 49% शेयर्स है और बजाज के पास 51% शेयर्स है। ना उनकी खासियत यह है कि पेट का हमने इंश्योरेंस देखा था, कि वी टॉक्ड अबाउट द फ्लिपकार्ट वाला इंश्योरेंस, वी अगेन टॉकिंग अबाउट द मुथूट गोल्ड शील्ड। सो अमेजिंग तरीके से पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करने की खासियत इंडिया में बजाज आलियांस की है। और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की बात करूं तो इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेस राइट नाउ जनरल इंश्योरेंस में बजाज आलियांस का है। सेकंड नंबर पे न्यू इंडिया एश्योरेंस आती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। सो इट्स रियली मैटर्स अ लॉट, के काफी क्वेश्चंस यहां पे आएंगे, काफी चीजें जो हमारे एग्जाम के लिए मैटर करती है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। के दूसरा, नाउ जो डॉग वाला इंश्योरेंस था उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आएंगे, एंड फ्लिपकार्ट वाला, बिकॉज वो ऑनलाइन शॉपिंग वाला इंश्योरेंस है। द रीजन इज दैट जैसे बजाज आलियांस ने फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, वैसी IRDAI ने एक कमेटी क्रिएट की हुई, 9 मेंबर कमेटी है, और उनको काम दिया गया कि आप भी चेक कीजिए ये कितना वायबल है, ये कितना पॉसिबल है। जब बजाज आलियांस ने ड्रोन इंश्योरेंस की बात की थी कि ड्रोन के लिए भी इंश्योरेंस हम लोग दे सकते हैं, तब भी IRDAI ने, इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना एक कमिटी क्रिएट किया कि ड्रोन के लिए इंश्योरेंस कितना अफोर्डेबल है और किस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। सो ऑल दोस थिंग्स मैटर्स अ लॉट। नाउ यहां पे इंश्योरेंस की बात करेंगे तो वी आर हैविंग IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मुझे बताइए IRDAI के हेड कौन है और IRDAI का हेडक्वार्टर कहां पे, इन दोनों चीजों के मुझे आंसर दे दीजिए फटाक से, जल्दी से बता दीजिए कि वेर इज IRDAI के एंड वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द, सॉरी, हु इज द हेड ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट
अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फटाफट चलो जल्दी बता दीजिए। यस गाइज, यस एनीवन, चलो तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। एक और चीज, ओके, गोल्ड लोन की अगर हम बात करें तो 90% ऑफ इट्स वैल्यू का अभी तक गोल्ड लोन मिल सकता है। यस, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है, बहुत बढ़िया। के यस कुंतिया साहब, के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। यस 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 यस, बहुत बढ़िया कुंतिया, यस यस। एंड 1999 में इसको क्रिएट किया गया था, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर। यस, एक प्रॉपर लॉ हमने पास किया था, पार्लियामेंट्री लॉ, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा सीरीज हैज बैग द बेस्ट ड्रामा सीरीज ऑनर 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड। मैंने कहा था एमी अवार्ड आर वेरी फेमस फ्रॉम द यूएसए, यूएसएस के अवार्ड है के लाइक 1920s के टाइम पे हमने इसको स्टार्ट किया था। IRDAI's full form is Insurance Regulatory Development Authority of India. So insurance companies के ऊपर इनका watch होता है, insurance, सारे insurance को regulate करना और insurance के business को develop करना, ये इनकी जिम्मेदारी है। And one of the unique organization because इसका headquarter है के चलो बहुत बढ़िया, जिसका headquarter हैदराबाद में है, तो बाकी सबके headquarters आपको मिल जाएंगे दिल्ली या मुंबई के अंदर। यस यस, नेटफ्लिक्स की सीरीज है। नाउ यहां पे याद रखना, इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की बात हो रही है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स, ओके। नॉर्मल एमी अवार्ड जिसको हम प्राइम टाइम अवार्ड्स भी कहते हैं, ये अभी तक अनाउंस नहीं हुए, ये केवल इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स है। सो व्हाट एवर द इंटरनेशनल सीरीज के विच आर नॉर्मली ऑन द डिफरेंट डिफरेंट वेब प्लेटफॉर्म्स, ओके, उनको ये अवार्ड दिए गए। जो प्राइम टाइम एमी अवार्ड होता है वो यूएस के अंदर की जो हार्डकोर सीरीज है उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो यहां पे इंटरनेशनल अवार्ड की बात की है, तो यहां पे गड़बड़ मत करना, ठीक है, केवल एमी अवार्ड्स नहीं है, बिकॉज एमी अवार्ड्स के बहुत सारे पार्ट है। लाइक एक अवार्ड होता है केवल स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स एमी अवार्ड, के एक इंटरनेशनल एमी अवार्ड हमारे पास है, के सो देयर आर लाइक मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एमी अवार्ड्स। सो इसको प्राइम टाइम अवार्ड भी कहते हैं, बेसिकली फ्रॉम द यूएसए, यूएसए का ये अवार्ड है, यूएसए अवार्ड स्टार्ट किए गए और पूरे दुनिया में इसको फॉलो करते हैं। नाउ इंडियन सीरीज को ये पहली बार ऐसा कि नेटफ्लिक्स के थ्रू ये सीरीज आई थी, बड़ी बड़ी बेहतरीन सीरीज है एंड दे गॉट द अवार्ड। बट देयर आर मेनी सीरीज फ्रॉम द इंडिया को यहां पे प्रॉपर तरीके से नॉमिनेशन भी मिला हुआ है, तो इंडियन कल्चर के लिए, इंडियन वेब सीरीज के लिए काफी अच्छा सिनारियो, काफी अच्छा ब्राइट फ्यूचर है जो आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइन। यस, एमी अवार्ड्स आर फॉर मल्टीपल स्टफ। के विच हैज द फॉलोइंग कंपनीज हैज बैक द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द मंगोलियन बेस्ड जैक बैंक। नाउ जैक बैंक की बात करते हैं, मंगोलिया की बैंक है और उसका एक इंडियन कंपनी के साथ टाई अप हुआ है फॉर द सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जब इंडिया की बैंकों की बात करते हैं तो इंडिया में जितनी भी बैंक काम करती है, इंडिया में जितनी भी बैंक काम करती है, दैट एवरी बैंक इज फॉलोइंग वन और द अदर सॉफ्टवेयर। के उसको कोर बैंकिंग सोल्यूशन हम लोग करते कहते हैं, तो एवरी बैंक इज फॉलोइंग वन और द अदर सॉफ्टवेयर। तो तीन सॉफ्टवेयर हमारे पास है, के उसमें से एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करने वाली कंपनी का नाम यहां पे लिखा हुआ है और जिसका टाई अप हुआ है जैक बैंक के साथ। तो आंसर तो इंफोसिस है, के इंफोसिस द आंसर। नाउ सबसे बड़ी चीज, ये तो करंट वाला टॉपिक हो गया, पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, ध्यान रखिएगा, इंडिया में जितनी भी बैंक्स हैं वो तीन सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं। नॉर्मली इंडिया में तीन सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, एक सॉफ्टवेयर का नाम है फिनाकल। फिनाकल इज द नेम ऑफ वन सॉफ्टवेयर जो इंफोसिस का सॉफ्टवेयर है, फिनाकल। ओके, अगर मैं बात करूं पीएनबी की बात करता हूं, एक्सिस बैंक की बात करता हूं, तो वो लोग नॉर्मली फिनाकल यूज करते हैं। एक और सॉफ्टवेयर हमारे पास है बैंक सीएस नाम का सॉफ्टवेयर है। ओके, सो जो सॉफ्टवेयर नॉर्मली टीसीएस ने क्रिएट किया हुआ है, तो एसबीआई की बात करें तो बैंक सीएस एसबीआई के अंदर हम लोग यूज करते हैं। और एक हमारे पास एक और है, दैट कॉल्ड फ्लेक्स क्यूब। ओके, फ्लेक्स क्यूब की बात करेंगे, फ्लेक्स क्यूब इस बात ओरैकल, ओरैकल का है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो लाइक फ्लेक्स क्यूब यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, नाउ वी आर हैविंग थ्री सॉफ्टवेयर्स एंड दिस थ्री सॉफ्टवेयर्स मैटर्स अ लॉट, बिकॉज इंफोसिस ने जो टाइप किया है वो फालतू में टाइप नहीं किया है। उनका जो फिनाकल है, ये फिनाकल सॉफ्टवेयर भी मंगोलियन बैंक यूज करेगी और उनका सारा डेटा, उनका कोरा पूरा का पूरा कोर बैंकिंग ये उसके भरोसे मैनेज करेंगे। तो इंडिया के अंदर भी जितनी भी बैंक है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इन तीन सॉफ्टवेयर के भरोसे हमारी बैंक चलती है। कुछ बैंक फिनाकल यूज कर रही है, कुछ बैंक सीएस यूज कर रही है और कुछ बैंक फ्लेक्स
क्यूब यूज कर रही है। नाउ सीन क्या है, ध्यान दीजिए, सपोज दो बैंक मर्ज हो रही है, तो नॉर्मली आरबीआई मर्ज करते वक्त या इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मर्ज करते वक्त चेक करता है कि भाई कौन सा सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करते हो। तो सॉफ्टवेयर एक वन ऑफ द पॉइंट होता है जिसके भरोसे हम लोग मर्जिंग करेंगे, बिकॉज एक बैंक अगर फ्लेक्स क्यूब यूज कर रही है और दूसरी फिनाकल यूज कर रही है, तो अगर जब ये मर्ज करेंगे तो इन दोनों बैंकों के एम्प्लॉयज को बड़ी दिक्कत जाएगी, बड़ा प्रॉब्लम जाएगा। इसलिए हम बहुत बार 99% टाइम्स हम लोग चेक करते हैं कि विच सॉफ्टवेयर दिस कंपनीज आर यूजिंग, सो दैट मर्ज करने में, सो दैट उनको एक साथ लाने में कोई दिक्कत ना हो। तो फिनाकल बैंक सीएस फ्लेक्स क्यूब, याद रखिएगा, फ्लेक्स क्यूब इज बाय द ओरेकल, बैंक सीएस इज बाय द टीसीएस एंड फिनाकल इज बाय द इन्फोसिस। ये आपके लिए बहुत मैटर करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Now, आगे बढ़ने से पहले डील ऑफ द ईयर आपके लिए चल रहा है, 299 का हमारा टेस्ट बुक पास है, यहां से भी आप गो थ्रू कर सकते हो। रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, डील ऑफ द ईयर चल रहा है, 30 रुपीज का कैशबैक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंकिंग के मेंस एग्जाम के लिए हमारा एक नया बैच चल रहा है जिससे भी आप गो थ्रू कर सकते हो 1499 का, और आरबीआई ग्रेड बी का 4.0 बैच मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, बीन स्टार्टेड ऑलरेडी, ओके, उसकी बहुत जल्दी मेंस की बैचेस भी स्टार्ट होने वाली है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चलो बताइए इसका आंसर बताइएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड कस्टमाइज्ड लर्निंग अचीवमेंट पाथ मॉड्यूल इन द स्टेट रन स्कूल्स। ओके, क्लैप जिसे हम लोग कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ क्लैप, के क्लैप ये शॉर्ट फॉर्म है कस्टमाइज्ड लर्निंग अचीवमेंट पाथ। सो कस्टमाइज लर्निंग अचीवमेंट पाथ इज वेरी फेमस फॉर दिस IITs एंड द ऑनलाइन कोर्सेज, यहां पे बड़ा बड़ा फेमस नाम है क्लैप, के कस्टमाइज लर्निंग अचीवमेंट पाथ मॉड्यूल, के ये काफी फेमस है। ये नॉर्मली मैनेजमेंट में ट्रेनिंग के अंदर भी इसको बहुत बार यूज करते हैं इस कंसेप्ट को, इसका नाम है क्लैप, के स्कूल्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। के कर्नाटका येदुरप्पा साहब की बात करेंगे, उनके गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किए, बिकॉज वहां पे स्कूल्स वैसे भी इस साल स्टार्ट नहीं हो रही है, वो जैन के बाद स्टार्ट करने की बात करें, जैन के अंदर स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, तब तक आपका एजुकेशन मिस ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने क्लैप इस कंसेप्ट का यूज किया है, कस्टमाइज्ड लर्निंग अचीवमेंट पाथ मॉड्यूल। प्राइमरी स्कूल्स के लिए मोस्टली इसको इनिशियल फेज में यूज करेंगे। देखिए ये जो क्लैप कंसेप्ट है ना, ये बड़ा फेमस है, IIMs के अंदर इस क्लैप कंसेप्ट के ऊपर प्रॉपरली लर्निंग होती है, प्रॉपरली स्टडी होता है, एक कंसेप्ट है, बिकॉज ये कंसेप्ट जो है ये नॉर्मली जब कोई मैनेजमेंट में एंटर करता है, जब HR होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले जो होते हैं, जो अपने नए एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं, तो बहुत बार इस कंसेप्ट का यूज करते हैं, कस्टमाइज्ड लर्निंग अचीवमेंट पाथ। तो हर इंडिविजुअल के एंगल में कस्टमाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम बनाया जाएगा और उसमें आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो वो पाथ चेक करेंगे और आपका अचीवमेंट चेक किया जाएगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे प्राइमरी क्लास के जो स्टूडेंट्स है, लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में, उनके हिसाब से एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, सो दैट उनकी लर्निंग हैम्पर ना हो, एंड दैट इज द मेन फोकस ओवर ईयर। तो याद रखना क्लैप यहां पर काफी क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। Now, which of the following countries has successfully launched its first unmanned space mission? Okay, Finacle hai, Vignesh, it's going with the Finacle only. Okay, theek hai. Now, the successfully launched its first unmanned space mission to collect the samples from the moon's surface and return to Earth. Okay, India tried that. India ne isko try kiya tha, but India failed last time. Aapko pata hoga, Chandrayaan ki hum log baat karte hai. So, India tried that. Okay, but unfortunately, some aise incidents ho gaye ki hamara jo project tha, jo hamara planning tha, wo last मूवमेंट पे कहीं ना कहीं हमारा मिसकम्युनिकेशन हुआ और हम लोग फेल हो गए। okay. बट यहां पे एक कंट्री है जो इस मामले में काफी अच्छा कर रही है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री। यस यस, बहुत बढ़िया, आंसर इज राइट, आंसर इज चाइना। चाइना की बात करेंगे, यूएसए ऑलरेडी इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग ओवर ईयर रशिया, लास्ट टाइम रशिया डिड दैट एंड रशिया सक्सेसफुली डिड दैट। ओके, उसके पहले ऑलरेडी यूएस कर चुकी थी और उसके अभी चाइना वहां पे जा रही है, अनमैंड स्पेस क्राफ्ट है टू कलेक्ट द सैंपल्स एंड ब्रिंग बैक टू द अर्थ। ओके, इंडिया वॉज ऑल्सो ट्राइंग फॉर द मून। ओके, बट लास्ट टाइम क्या हुआ था आपको पता है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया था। ओके, वी ट्राइड अ लॉट बट वी आर नॉट एबल टू क्रिएट द प्रॉपर कम्युनिकेशन, बट एनीवेज सक्सेस और फेल्यूअर चलते रहते हैं स्पेस मिशन के अंदर, हर कंट्री का सीन है, काफी कंट्रीज भी इसके पहले फेल हुई है, पर याद रखना यूएस के उसके बाद रशिया एंड देन द चाइना, देयर आर थ्री कंट्रीज दे आर डूइंग दिस स्टफ। के एक्सक्यूज मी, फाइन, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिलीज द टू स्पेशल पोस्टल कवर्स ऑन द थीम दैट इज कांगरी एंड कावा ऑन द पोस्टल डिपार्टमेंट। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांगरी एंड कावा, के दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द
जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, तो उन थीम्स को लेके हुए, उन थीम्स को ध्यान में रखते हुए एक दो पोस्टल स्टैम्प्स लॉन्च किए गए। जम्मू एंड कश्मीर की बात करते तो सिंपल चीज है, यहाँ पे मनोज सिन्हा साहब की बात आएंगी, कि यहाँ पे सिंपल है, मनोज सिन्हा साहब की बात आएगी बिकॉज ही इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए दे क्रिएटेड द पोस्टल स्टैम्प्स के, याद रखिएगा। नाउ जम्मू एंड कश्मीर, इसको भी हमने यूटी का दर्जा दे दिया है, और साथ में लद्दाख को हमने अलग से यूटी बनाया है। जब जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात है, जम्मू एंड कश्मीर ये दिल्ली की तरह काम करेगा, ये दिल्ली या पांडिचेरी की तरह यूटी रहेगा, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सीएम रहेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट भी रहेगी, तो सेमी यूटी या सेमी स्टेट जिसे हम लोग कहते हैं, उस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर काम करेगा। बट लेह लद्दाख की अगर हम बात की जाए तो एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू वर्क लाइक अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, कंप्लीट यूटी की तरह काम करेगा। तो मुझे बताइए, लेह लद्दाख के जो यूटी है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, वहां पे कौन हैंडल कर रहे हैं फिलहाल के कंडीशन में, जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, चलो मुझे जल्दी बता दीजिए। दीज आर ऑल आर्ट फॉर्म्स, ओके, ये सारे आर्ट फॉर्म्स है के, सो कांगरी एंड कावा की बात करें, ये सारे आर्ट फॉर्म्स है के, सो इस आर्ट फॉर्म के भरोसे इसको क्रिएट किया गया। चलो मुझे बताइए। यस यस यस, चलो चलो मुझे बता दीजिए कि हु इज द लाइक यहां के हेड कौन है। यस यस, आर के माथुर, एब्सोल्युटली आर के माथुर साहब यहां पे। ओके, जीसी मुर्मू साहब चले गए, जीसी मुर्मू साहब जम्मू एंड कश्मीर में थे, के वो अभी हमारे कैग बन गए, और कैग बनने के बाद मनोज सिन्हा साहब है जो फिलहाल इसको हैंडल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। यस यस, आर के माथुर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते। विच आर द फॉलोइंग कंपनीज हैज साइंड एमओयू विद द रिसर्च सोसाइटी ऑफ फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, RSSDI। मैंने कहा था दिल्ली के अंदर से RSSDI काम करती है, इंडिया में जितना भी डायबिटिक पेशेंट्स है, जितने भी डायबिटीज से रिलेटेड रिसर्च है, ये सारे RSSDI के अंदर काम करते हैं। नाउ टू एम्पावर 1 करोड़ इंडियन डायबिटिक पेशेंट बाय 2023। नाउ RSSDI ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट इज नॉट टू प्रोवाइड मेडिसिन, एग्रीमेंट इज नॉट टू प्रोवाइड एनी वैक्सीन, बट एग्रीमेंट इज हियर जस्ट टू हेल्प देम टू मेक द पीपल अवेयर, बिकॉज इंडिया में काफी ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स है और उनका परसेंटेज भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, इसलिए एस्ट्राजेंका की बात करते हैं। एस्ट्राजेंका इंडिया, बेसिकली एस्ट्राजेंका इज अ यूके बेस्ड कंपनी, के यूके स्वीडिश बेस्ड कंपनी है एस्ट्राजेंका, काफी फेमस है। ओके, नाउ देयर इंडियन ब्रांच दे डिसाइडेड टू हैव अ टाई अप विद द RSSDI। नाउ याद रखना, RSSDI की बात की जाए तो ये इंडियन है, कि प्रॉपरली इंडिया में काम करता है, एंड इनका काम यह है कि किसी को मेडिसिंस नहीं दे रहे, के दे आर नॉट फोकसिंग ऑन मेडिसिंस, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द ट्रीटमेंट प्लान, बट दिस टू ऑर्गेनाइजेशन आर गोइंग टू क्रिएट द अवेयरनेस। अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इंडियंस को बहुत बार लगता है अवेयरनेस नाम की कोई चीज होती नहीं है, बट अवेयरनेस अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है, एंड दैट्स व्हाई AstraZeneca इज सेइंग कि वी विल मैनेज एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। लोगों में अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस डायबिटीज इज क्रिएटिंग द ह्यूज प्रॉब्लम, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 14th of November वर्ल्ड डायबिटीज डे, यस, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया। AstraZeneca इज नॉट द यूएस बेस्ड, इट्स अ यूके बेस्ड कंपनी, ओके, यूके है, कि यूके के अंदर से कंपनी काम करती, हर कंपनी यूएस बेस्ड नहीं होती है, यूके बेस्ड कंपनी है। स्वीडिश एंड यूके टू गवर्नमेंट्स और द टू इंडस्ट्रीज, द टू इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ दिस कंट्रीज, दे क्रिएटेड दिस कंपनी, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, के यस, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी लॉन्च अ जगन्नाथ तोडू स्कीम, द इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू व्हाट अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्मॉल वेंडर्स अंडर द स्कीम। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जहां पे भी ₹10,000 का लोन दिया जा रहा था, ओके, उसी स्कीम के तरह आंध्र प्रदेश के अंदर जगनमोहन रेड्डी साहब ने एक स्कीम लॉन्च की वहां के स्मॉल वेंडर्स के लिए। ओके, नाउ अगर बात की जाए, पीएम स्वनिधि वाज फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, ओके, पर ये केवल स्ट्रीट वेंडर के लिए नहीं है, ये सारे टाइप के वेंडर्स के लिए है जो नॉर्मली आंध्रा के अंदर काम करते हैं। तो यहां पर भी इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। इंटरेस्ट फ्री का मतलब है कि जिसने लोन लिया उसको केवल प्रिंसिपल पे करना है, जो इंटरेस्ट रहेगा वो गवर्नमेंट पे करेगी, गवर्नमेंट ऑफ
आंध्र प्रदेश पे करेगी। ओके, नो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि 60 करोड़ से 100 करोड़ के आसपास उनके ऊपर बर्डन आएगा जिसको पे करने के लिए, बिकॉज जिनको लोन देंगे, सपोज 10,000 का लोन मैंने ले लिया के, तो आई विल पे द ओनली प्रिंसिपल अमाउंट, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो सारा इंटरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश पे करेगी। तो 60 to 100 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट है जो उनके ऊपर लग सकता है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनारियो। ओके, सो ये याद रखना के वी टॉक्ड अबाउट द स्वनिधि फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी, वहां पे भी 10,000 रुपीस का लोन है के, पर वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई इंटरेस्ट विंटरेस्ट नहीं, सारा पैसा जिसने लोन लिया उसी को पे करना पड़ेगा। और हमारे आत्मनिर्भर के टाइम पे पीएम स्वनिधि लॉन्च किया था के, और हमने रैंकिंग देखी यूपी में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स है पीएम स्वनिधि के, तो यह भी पॉइंट देखा था। मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, जो स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है? जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिए कि पीएम स्वनिधि जो है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है, कब लॉन्च की, भाई कौन सा स्टेट सबसे टॉप में जा रहा है, कितना पैसा मिलेगा, हमने हर चीज देख ली है। मुझे बस एक चीज का आंसर दीजिए कि वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, चलो बताइए। यस, फटाफट यस गाइस, जल्दी बता दीजिए। ओके फाइन फाइन, के गगन ने जो हमारे वहां से बिलोंग करते हैं फ्रॉम आंध्रा से, उन्होंने काफी अच्छा एक पॉइंट बता दिया कि किसका मीनिंग क्या है। एमएससीमी का आंसर दे रहे हो आप कि एमएसएमई के अंदर स्वनिधि आएगी। ओके, नो नॉट एमएसएमई, नॉट एमएसएमई। मनीष का आंसर सही है, मनीष का आंसर सही है, आशुतोष का आंसर सही है। आंसर इज अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्ट्री। अर्बन हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात करेंगे, हरदीप सिंह पुरी साहब की बात करेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स की बात हो रही है कि यहां पे कोई स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज की बात नहीं हो रही है, स्ट्रीट वेंडर्स की बात हो रही है। स्ट्रीट वेंडर्स आर नॉट कमिंग अंडर एमएसएमई, एमएसएमई के डेफिनेशन के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स नहीं आते। के स्ट्रीट वेंडर्स आर कमिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, हरदीप सिंह पुरी साहब है उनके मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, याद रखेगा। ओके, तो दैट मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्ट्रीट वेंडर्स, नॉट दी होम मिनिस्ट्री, नॉट दी एमएसएमई मिनिस्ट्री, नो गडकरी साहब, नो अमित शाह साहब। ओके, यहां पे आएंगे हरदीप सिंह पुरी जी, उनके अंडर ये आता है, याद रखेगा, गड़बड़ नहीं करना। तो ये जो गड़बड़ अभी हुई है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द एनर्जी स्वराज यात्रा। एनर्जी स्वराज यात्रा की बात करेंगे। ओके, एनर्जी स्वराज फाउंडेशन है हमारे पास। ओके, उस एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के जो फाउंडर है के, ही इज ऑल्सो द ब्रांड एम्बेसडर, अगर बात करें डॉक्टर चेतन सोलंकी, डॉक्टर चेतन सोलंकी आईआईटी ने आईआईटी मुंबई के अंदर, बॉम्बे के अंदर प्रोफेसर रह चुके हैं। ओके, तो डॉक्टर चेतन सोलंकी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया के, और उनके ब्रांड एम्बेसडर के उनके सीन के अंदर इसको एनर्जी स्वराज यात्रा को क्रिएट किया गया। पर्पज है कि एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करना है। 15,000 मेगावाट की बात की है शिवराज सिंह चौहान साहब ने कि रिन्यूएबल एनर्जी से के, बाय यूजिंग सोलर, बाय यूजिंग विंड, बाय यूजिंग द स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट, उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करनी है, और इसके लिए एनर्जी स्वराज यात्रा ये शिवराज सिंह चौहान साहब ने लॉन्च की। पर इसके ब्रांड एम्बेसडर है डॉक्टर चेतन सोलंकी, तो इनका नाम याद रखना, ये आईआईटी से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर है, बहुत बड़े रिसर्चर है, और उन्हीं का एनर्जी स्वराज फाउंडेशन, ये उसी के अंडर काम भी करते हैं। ओके, सो काफी बड़ा फेमस नाम है, एंड दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनारियो। ओके, तो इनका नाम याद रखेगा के, और एमपी आपके लिए बहुत मैटर करेगा। 15,000 मेगावाट के आसपास तक हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने की बात यहां पे कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। फॉर देयर अवेयरनेस, फॉर दैट अवेयरनेस ये यात्रा शुरू की गई है, जो गवर्नमेंट का, एमपी के गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अ मास्क बैंक has been inaugurated in which of the following UTs? UTs की बात करेंगे, यूनियन टेरिटोरीज की बात करेंगे, तो मास्क बैंक के, मास्क फ्री में मास्क बांटे जा रहे हैं, तो ये मास्क बैंक जो है ये एग्जैक्टली कौन से यूटी के अंदर स्टार्ट किया गया? वहां के उस यूटी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, उस यूटी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ना यूटी के गवर्नमेंट ने, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बट वहां के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पे स्टार्ट किया गया। यस, आंसर इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। ओके, बहुत बढ़िया। दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली के मेयर की बात, नॉर्थ दिल्ली के मेयर की बात करेंगे, जयप्रकाश। ओके, जो नॉर्थ दिल्ली के मेयर है, ही स्टार्टेड दिस मास्क बैंक। ओके, ना आपको सबको पता है दिल्ली में पेशेंट्स काफी बढ़ रहे हैं,
ओवरऑल पूरे इंडिया में काफी पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, विच इज अ प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो। एंड फॉर दैट रीजन के दिल्ली पुलिस के साथ मिलके, वहां के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, नॉर्थ दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नॉर्थ दिल्ली याद रखना, और यहां पे दिल्ली पुलिस भी इन्वॉल्व है, ये भी हमारे लिए मैटर करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Whom of the following has been appointed as a new engineer in chief of the Indian Army? इंडियन आर्मी के इंजीनियर इन चीफ की हम लोग बात करेंगे, तो यहां पे इस पोस्ट पे किसको अपॉइंट किया गया? नाउ बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते, बीआरओ के पहले हेड थे, के ही वाज द हेड ऑफ बीआरओ, के बीआरओ को हैंडल कर रहे थे। बीआरओ कम्स अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री, जो बॉर्डर एरियाज है इंडिया के, लाइक हम बात कर रहे हैं चाइना बॉर्डर की, पाकिस्तान बॉर्डर की, बांग्लादेश बॉर्डर की, तो बॉर्डर एरिया में जितने भी रोड्स बनते हैं वो बीआरओ क्रिएट करती है। एंड बीआरओ कमिंग अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री, तो जो बॉर्डर एरिया में रस्ते बनेंगे वो सारे रस्ते ये हमारा रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री नहीं क्रिएट करती है, वो सारे रस्ते क्रिएट करते हैं हमारे बीआरओ वाले, तो उसके हेड थे। और अभी वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है, काफी बेहतरीन काम किया उन्होंने, एंड नाउ इज बीन अपॉइंटेड एज द इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। अब इनका काम क्या है, जहां कहीं भी इंडियन आर्मी के कंस्ट्रक्शन चल रहे, जो कोई भी नई चीजें इंडियन आर्मी क्रिएट कर रही है, जहां कहीं भी इंजीनियरिंग वर्क इंडियन आर्मी का इन्वॉल्व है, उन सबके ऊपर इनका वॉच रहेगा। प्लस इंजीनियरिंग कॉलेज भी इंडियन आर्मी का, विच इज इन मुंबई, विच इज इन पुणे, पुणे के अंदर है, तो यहां पे भी ये वॉच रखेंगे, ये भी इनके अंडर में आएगा, ये पॉइंट याद रखेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ओके, उन्होंने ट्वीट डाला था कि थैंक यू गडकरी साहब, थैंक यू रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कि आपने इंडिया के बॉर्डर एरिया में रस्ते बनाए। के उसके नीचे गडकरी साहब ने खुद लिखा कि मैं नहीं बनाता हूं ये रस्ते, रस्ते बीआरओ बनाती है, तो आप राजनाथ सिंह साहब की तारीफ कर सकते हो, मेरी नहीं। के लुक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द बीजेपी, के लिक आपको ये नहीं पता, यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आपको ये नहीं पता कि कहां के रस्ते कौन बनाता है, ये हालत है इंडिया की। ओके, तो उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के मिनिस्टर ने थोड़ी ऑडेसिटी दिखाई, उन्होंने प्रॉपरली कहा कि भाई मैं नहीं बनाता, उसके बाद लिटरली वो ट्वीट डिलीट कर दिया और गडकरी साहब को ट्रोल करना शुरू कर दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड, ओके, आप अपनी पर्सन को ट्रोल कर रहे हो जो आपको इस नॉलेज दे रहा है कि आपकी गलती कहां पे हुई, एंड दैट इज द बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, कि हमें बस हवा करना आती है, रियलिटी किसी को पता नहीं होती। तो आप लोग याद रखना कि बीआरओ की मिनिस्ट्री कौन है और बीआरओ एग्जैक्टली क्या काम करता है। ठीक है, गड़बड़ मत करना, अटल टनल भी आपको याद होगा, याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। Now, cricket board of which country has announced the formation of independent commission for equality as a part of measure to tackle discrimination in the game? Now, ये problem बहुत बड़ी है, ठीक है? Yes, so just this the problem of discrimination, especially on the basis of color. Color का problem बहुत बड़ा है, कि racial discrimination जिसको हम लोग कहते हैं, racism जिसे हम लोग कहते हैं, ये problem बहुत बड़ी है। Now, एक क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस प्रॉब्लम, हम उसके लिए इंडिपेंडेंट कमीशन क्रिएट करेंगे इक्वालिटी लाने के लिए। तो व्हाट इज द आंसर ओवर हियर, यहां पे आंसर क्या है जल्दी से बता दीजिए, कि वन ऑफ द वेरी फेमस, वन ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट क्रिकेट बोर्ड की हम लोग बात करेंगे, यस, ईसीबी की। ईसीबी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, ओके, सो इसका नाम ईसीबी भी है, हम इसको ईसीबी भी कहते हैं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ओके, इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। सो दे अनाउंस दैट बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन इज अ बिग बिग प्रॉब्लम, इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। लास्ट टाइम जब वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का मैच हुआ था आयरलैंड में, के वो टाइम पे सारे प्लेयर्स, मींस वेस्ट इंडियन प्लेयर्स एज वेल एज इंग्लैंड प्लेयर्स, सबने नीचे बैठ के रेसिज्म के अगेंस्ट एक प्रॉपर तरीके से जेस्चर दिखाया था। आपको पता होगा यूएस के अंदर रेसिज्म को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी इलेक्शंस के पहले, एंड दैट वाज वन ऑफ द पॉइंट जिसके वजह से ट्रंप के काफी वोट कम हुए, बिकॉज रेसिज्म को लेके ट्रंप वाज नॉट दैट मच एक्टिव। सो उस वो चीज पूरे वर्ल्ड में हुई थी, एंड दैट टाइम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जब मैच हुई थी पहली बार आफ्टर लॉकडाउन, जब पहली बार मैच हुई थी, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने काफी अच्छे से उसको फॉलो किया था, दैट्स व्हाई इट बिकम द फर्स्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड हु स्टार्टेड दैट। याद रखना, इवन लुइस हैमिल्टन की बात करते हैं, लुइस हैमिल्टन जो हमारे F1 के चैंपियन है, ही ऑल्सो बिफोर एवरी रेस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन वो एक अपना जेस्चर शो करते हैं। ये भी चीज बड़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में, तो याद रखना, यहां पे भी काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। यस,
The four-member NGT bench has directed all states and UT to designate nodal agencies for the restoration of water bodies within their respective jurisdictions. The bench has headed by whom? NGT, National Green Tribunal की हम लोग बात करते हैं. National Green Tribunal के 2010 में National Green Tribunal हमने create किया था. Parliament के law से बना हुआ है. Supreme Court ने कहा था कि अलग से court बनाइए जो केवल environment की cases को handle करेगा. तो National Green Tribunal हमने create किया हुआ है के ना उनके bench ने water restoration की बात की. तो हर state में जो भी water bodies है, river की बात करेंगे, lake की बात करेंगे, तो उनको पुनर्जीवित करना है, उनको रेस्टोर करना है, एंड दैट इज अ पॉइंट. अब मुझे बताइए कि भाई इस बेंच के हेड कौन है, बिकॉज यहां पे एक हमारा जस्टिस रहता है. चलो मुझे बताइए. यस, आपका आंसर बहुत सही है. यहां पे आदर्श कुमार गोयल साहब की बात करेंगे. बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट आंसर. चलो सबको पता है के नाउ समंतर कुमार साहब पहले हेड थे एनजीटी के, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की हम लोग बात करेंगे या राष्ट्रीय हरित न्यायालय की हम लोग बात करेंगे, दोनों नाम आप यूज कर सकते हो, पर इन इंग्लिश इज वेरी मच फेमस एनजीटी. नाउ एनवायरमेंट की जितनी भी केस रहेगी ये सुप्रीम कोर्ट के पहले एनजीटी के पास जाती है. अगर एनजीटी से आपको प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, वहां पे भी आप अपील कर सकते हो. पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहां पे होता क्या है, देखिए यहां पे तीन रहेंगे वो जुडिशरी से आएंगे, और तीन लोग जो रहेंगे उनको एनवायरमेंट का प्रॉपर नॉलेज होता है. तो ऐसे छह लोग मिलके के ये केसेस को हैंडल करेंगे. ट्राइब्यूनल या ट्रिब्यूनल का मतलब ये होता है कि ऐसी अथॉरिटी जिस जो जहां पे जजेस भी है और जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग है जिनके पास स्पेशल नॉलेज है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर एनवायरमेंट की केस हमें समझ में नहीं आती, तो आप स्पेशल कोर्ट बनाइए. और 2010 में पार्लियामेंट ने एनजीटी क्रिएट किया और वो काम करता है. दिल्ली में उनका मेन ऑफिस है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है. के भोपाल, पुणे की बात की जाए, चेन्नई की बात की जाए, के वहां पे उनके ब्रांचेस है, वहां पे भी उनके ऑफिस है, वहां से ये लोग काम करते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व हैज बैग्ड द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल अवार्ड कॉल्ड द T2 और TX2 फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द टाइगर्स. नाउ यहां पे टाइगर रिजर्वर्स के नाम है. के आंसर तो चलो बड़ा इजी है, आंसर तो आप लोग बहुत जल्दी दे ही दोगे, पर अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आप लोगों को पूछनी है कि ये जो टाइगर रिजर्व्स के नाम लिखे हुए, कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट के अंदर है, इसका भी नाम मुझे चाहिए. के मुझे इसका भी नाम चाहिए. के यस यस, आपका आंसर तो सही है. यहां पे हम बात करेंगे पीलीभीत की. के पीलीभीत टाइगर रिजर्व की हम लोग बात करेंगे. सो पीलीभीत टाइगर रिजर्व दे गॉट द अवार्ड. ओके, उन्होंने टाइगर पॉपुलेशन 10 साल में डबल करने वाले थे, इन्होंने 4 साल के अंदर इसको डबल कर दिया. सो पीलीभीत इज द आंसर. ओके, तो यहां पे कोई इश्यू नहीं है, आंसर आपका पीलीभीत है. ओके, सो चलो मुझे एक बताइए कि ये तो आपका यूपी के अंदर आ गया. ठीक है, चलो ये तो आपका यूपी के अंदर है. पन्ना कहां पे, के राजाजी कहां पे, मानस कहां पे, और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व्स कहां पे, जल्दी बताइए. यस, पन्ना की बात करें तो आपका एमपी के अंदर आ रहा है. के यस, बहुत बढ़िया. मानस की बात, इसका भी मुझे आंसर मिल गया कि मानस का भाई आसाम के अंदर है, ऐसा आपका कहना है. के यस यस, कॉर्बेट की बात करें तो यूके आपने लिख दिया. यस यस, उत्तराखंड की हम लोग बात करेंगे, बहुत बढ़िया. और राजा जी की बात करेंगे तो वो भी आपका उत्तराखंड के अंदर ही आएगा. यस, सो यूपी, उत्तराखंड, एमपी, आसाम, अनदर उत्तराखंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है, चलो. यस, एब्सोल्युटली राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट आंसर. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट के नाउ सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी विल बी रीनेम्ड टू व्हाट अंडर द न्यू लॉ अप्रूव्ड बाय द सऊदी अरेबिया किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद इन नवंबर 2020. नाउ सऊदी अरेबिया इज चेंजिंग द नेम. के पहले इसका नाम था समा. के समा वॉज द ओरिजिनल नेम. के समा इज कॉल्ड सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी. जैसे इंडिया में आरबीआई होता है, वैसे इनके कंट्री में समा था. अभी समा का नाम चेंज कर दिया. नाउ समाज नेम इज बीन चेंज टू व्हाट. उसका नाम कहां चेंज कर दिया, किसने उसका नाम चेंज कर दिया गया, ये पॉइंट बताइएगा. के यस यस, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज की भी बात हमारे यहां पे दोस्त ने की हुई है, पुनीत ने. ओके, पुनीत ने कुछ और पॉइंट मेंशन किया. ठीक है, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज की हम लोग बात करते हैं. सो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज के अंदर इंडिया हैविंग द नियर अबाउट 70% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड इज इन इंडिया ओनली. के विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो मुझे बताइए समा. यस, आंसर इज सऊदी सेंट्रल बैंक. सऊदी सेंट्रल बैंक हम बात करते हैं, जैसे इंडिया ने आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे सऊदी सेंट्रल बैंक है. पर एक पॉइंट और है कि जो सऊदी करेंसीज है,
कि अभी भी उसके ऊपर समा का ही नाम रहेगा, अभी भी उसके ऊपर समा का ही नाम रहेंगे, सऊदी सेंट्रल बैंक के नाम अभी उसके ऊपर नहीं डालने वाले। तो नाउ याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत मैटर करता है। तो सऊदी अरब की जो किंग है, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज, ही अनाउंस दैट वी आर चेंजिंग द नेम एंड विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, चलो, यस यस यस, रियाल इज द करेंसी, रियाल इज द करेंसी जो सऊदी सेंट्रल बैंक हैंडल करती है। आगे बढ़ेंगे। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ हाउ मेनी करोड़ इन द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड द डेट प्लेटफॉर्म इन द नेक्स्ट टू इयर्स। मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड कैसे काम करेगा। एक फंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट करके रखा, जिस फंड के अंदर काफी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कि यहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ये फंड वाले क्या करते हैं, ये फंड वाले ये पैसा किसी को लोन पे देते हैं। अब किसको लोन देंगे, जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है ऐसे कंपनीज को लोन पे देंगे। तो आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, इस फंड में से पैसा किसी और को लोन पे मिलेगा, वो जब वापस करेगा तब आपका पैसा आपको वापस, जैसे म्यूचुअल फंड काम करते हैं उसी तरीके से ये NIIF काम कर रहा है इंडिया के अंदर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्रिएट किया हुआ है। तो मुझे बताइए कितना और पैसा इसमें इन्फ्यूज करने की बात की है, 6000 करोड़। एब्सोल्यूट राइट, 6000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर इन्फ्यूज कर रहा है, ध्यान दीजिए। नाउ NIIF, इसके अंदर ना तीन फंड आते हैं, इसके अंदर तीन फंड आते हैं। एक मास्टर फंड है आपका, के एक आपका स्ट्रेटेजिक फंड है, और आपका फंड ऑफ फंड है। ठीक है, नाउ ये चीज है जो आपके लिए बहुत मैटर करेगी, रिवीजन में हम इसके ऊपर बात कर लेते, ध्यान दीजिएगा। एनआईएफ के अंदर तीन फंड आते हैं, एक मास्टर फंड है। मास्टर फंड मोस्टली यूज फॉर द रेलवे कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, उसके लिए अगर फंडिंग चाहिए तो मास्टर फंड में से पैसा मिलेगा। एक है इक्विटी फंड, इक्विटी फंड लाइक यू कैन, जो एनआईएफ है दे विल, जब वो किसी को लोन देंगे तो उन कंपनीज की इक्विटीज को भी मैनेज किया जाएगा। एंड फंड ऑफ फंड का मतलब ये होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल इनके पास फंड है, यहां से फंड किसी और एनबीएफसी के पास गया और वो एनबीएफसी किसी और को देगी, तो फंड ऑफ फंड का मतलब है दे विल गिव मनी टू सम फंड एंड दैट फंड विल गिव मनी टू सम अदर पर्सन, सम अदर रियल एस्टेटर। तो इस तरीके से तीन फंड एनआईएफ के अंदर काम करते हैं और तीनों फंड बड़े क्लोजली वॉच्ड है, प्रॉपर ध्यान यहां पर रखते हैं। और एनआईएफ को बनाने की परमिशन सेबी से ली गई है, बिकॉज एक फंड है, यहां पर पैसे में लेन देन हो रहा है, भले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा पर एट रैंडम नहीं बनेगा, सेबी इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इंडिया में शेयर मार्केट, जो इंडिया में म्यूचुअल फंड के ऊपर वॉच रखते हैं, वही सेबी यहां पे वॉच रखने वाली है एनआईआईएफ के ऊपर, और वॉच रख रही है। ये तीनों फंड है, कि तीनों फंड के नाम मैं वापस एक बार बोल देता हूं, यस, मास्टर फंड, स्ट्रेटेजिक फंड एंड द फंड ऑफ फंड, ये पॉइंट याद रखेगा। ठीक है, एंड सेबी इज फोकसिंग ऑन के, यस एब्सोल्युटली। ठीक है, नाउ सबसे बड़ा पॉइंट, नाउ इंडिया में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन नाम का कंसेप्ट है, जो बजट में निर्मला जी ने अनाउंस किया था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। निर्मला जी का यह कहना है कि 2025 तक हमें इंडिया में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जिससे इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की बननी चाहिए, 5 लाख करोड़ की इंडियन इकोनॉमी की वैल्यूएशन होनी चाहिए, और उसके लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हमारे पास है। अब इस फंड का यूज हम इस पाइपलाइन को डेवलप करने के लिए भी कर सकते हैं, और वो भी एक पॉइंट मेंशन किया गया। न्यूज थोड़ी डिफिकल्ट है पर आपको याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, कोई भी एग्जाम है। मुझे 2-3 स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि सर ये बैंकिंग वाली तो न्यूज हो गई, ऐसा नहीं है, ये देश के डेवलपमेंट की बात है, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो आप इसको बैंकिंग की न्यूज बोल के आप खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो, ये पॉइंट याद रखना। ओके, सो सच न्यूज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, चलो फाइन। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नाउ पहले शशांक मनोहर साहब थे, के ये यहां के इंडिपेंडेंट चेयरमैन थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, उसके बाद ये जगह कुछ दिनों के लिए वैकेंट थी, अभी वापस यहां पे नए इंडिपेंडेंट चेयरमैन अपॉइंट किए गए आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। शशांक मनोहर ये भी लॉयर ही थे, इंडिया के लॉयर है, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के हेड है, के हेड थे, बाद में बीसीसीआई को भी इन्होंने हेड किया है, और बाद में आईसीसी के अंदर वो चेयरमैन बने। अब उनके जगह पे आ चुके हैं ग्रेग बार्कली। ग्रेग बार्कली इज फ्रॉम द न्यूजीलैंड के, वो भी वहां के लॉयर है, पेशे से लॉयर है, के बट ही मैनेज क्रिकेट अमेजिंगली। सो ग्रेग बार्कली विदाउट एनी अपोज इज बीन लाइक अपोज हुआ, अपोज तो यहां पे रहा, के सिंगापुर से भी एक पर्सन खड़े थे इलेक्शंस के लिए, के उन्होंने इतनी टफ कंपटीशन नहीं दी, लैंडस्लाइड मार्जिन से ग्रेग बार्कली यहां पे जीत गए, ये भी लॉयर है पेशे से, पर पहले शशांक मनोहर फ्रॉम द इंडिया, ही वॉज द चेयरमैन अर्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च अ नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन,
एंड इनॉग्रेटेड द गरिमा गृह, अ शेल्टर होम फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन। अब गरिमा गृह ये गुजरात के अंदर स्टार्ट किया गया है, गरिमा गृह जो शेल्टर होम है ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, और ट्रांसजेंडर पर्सन ही है जो इन शेल्टर्स को हैंडल करेंगे। प्लस एक पोर्टल लॉन्च किया गया, तो जो भी ट्रांसजेंडर है कि इफ दे वांट टू कंप्लेन, इफ दे वांट टू नो द गवर्नमेंट पॉलिसी, दे कैन गो टू दिस पोर्टल, इस पोर्टल से लोग जा सकते हैं। तो बताइए इसका इनॉग्रेशन किसने किया, इसकी शुरुआत किसने की, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, थावरचंद गहलोत साहब की बात करते हैं, हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर है थावरचंद गहलोत साहब के, और उन्होंने इसको स्टार्ट किया है, नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर एंड ई गरिमा। याद रखना ये सबसे बड़ा मैटर करेगा, गरिमा गृह बहुत मैटर करेगा, बिकॉज शेल्टर होम्स है जिन जो निराश्रित है, जो अनाथ है, ऐसे ट्रांसजेंडर्स को रखने के लिए, उनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसजेंडर ही हैंडल करेंगे के, कोई और हैंडल नहीं करेगा के, और गुजरात के अंदर स्टार्ट किए गए, धीरे धीरे इसको पूरे इंडिया में स्टार्ट करेंगे, और नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर भी इन्होंने लॉन्च किया के। एक और चीज, रिसेंटली ओडिशा की बात करते हैं, ओडिशा के अंदर भी एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठाया गया है, एक इंडिपेंडेंट कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है ट्रांसजेंडर के प्रॉब्लम को सुनने के लिए। तो ओडिशा ने भी एक अच्छा पहल किया, एक अच्छी स्टेप ली हुई है ट्रांसजेंडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ओडिशा का भी नाम याद रखना, यह भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग हैज फॉर्म अ हाई लेवल पैनल टू एक्सप्लोर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रैवल। Who among the following been appointed as a chairperson of the panel? अल्ट्रा हाई स्पीड की बात करते हैं, तो यहाँ पे हाइपर लूप की बात हो रही है। अल्ट्रा हाई स्पीड का मतलब है हाइपर लूप। ओके, अगर हम हाई स्पीड ट्रेन की बात करेंगे तो वी आर हैविंग दिस बुलेट ट्रेन, और अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रैवल की बात करेंगे तो यहाँ पे हाइपर लूप आएगा। हाइपर लूप सबको पता है, वर्जिन का हाइपर लूप है, उसका रिसेंटली टेस्टिंग भी हुआ था, और इंडिया में दो जगहों पे हाइपर लूप क्रिएट करने की बात हो रही है। एक है बेंगलुरु एयरपोर्ट, केम्पागौड़ा एयरपोर्ट की बात करते हैं, एंड नेक्स्ट इज बिटवीन पुणे टू मुंबई। अब ये हाइपर लूप ट्रेन प्रॉपरली बन सकती कि नहीं बन सकती है, इसको चेक करने के लिए गवर्नमेंट थिंक टैंक है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इन्होंने वीके सारस्वत साहब के उनको कहा है कि सर आप चेक कीजिए, उनके अंडर कमिटी बनाई गई, उस कमिटी को कहा गया कि आप चेक कीजिए इसकी फिजिबिलिटी क्या है, इसकी वायबिलिटी क्या है, कमर्शियली कितना काम करेगा, लोग इंडिया में एफोर्ड कर सकते नहीं कर सकते, ये सारी चीजें। देखिए ये बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है के, पर इस टेक्नोलॉजी महंगी भी बहुत है, बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है, उसके लिए पैसा भी बहुत लगने वाला है, और इसीलिए यहां पे वीके सारस्वत कमेटी है जो प्रॉपरली ध्यान रख रही है अंडर नीति आयोग। याद रखना दो जगह पे बनने की बात हो रही है, वर्जिन ही क्रिएट कर रहा है, वर्जिन से कंपनी फ्रॉम द यूएसए, एक है बेंगलुरु सिटी टू बेंगलुरु एयरपोर्ट केम्पागौड़ा एयरपोर्ट, और दूसरा है मुंबई टू पुणे के, तो इन दो जगहों पर क्रिएट करने की बात हो रही है। नाउ एक और चीज, अब ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए कि नीति आयोग ने चलो यहां पे कमेटी बना दी वीके सारस्वत साहब की, ओके नाउ एक और कमेटी है जिसमें नीति आयोग के मेंबर हेड है, और वो कमेटी है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेके और वैक्सीन के मैनेजमेंट को लेके। उस कमिटी के हेड कौन है, बिकॉज वीके सारस्वत साहब के ऊपर क्वेश्चन आए ना आए, पर जो कमिटी मैं आपको पूछ रहा हूं कि वैक्सीन मैनेजमेंट वाली, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई, उसके अंदर भी नीति आयोग के ही एक मेंबर है जो उस कमिटी के इंचार्ज है। मुझे उस कमिटी के इंचार्ज का नाम चाहिए कि वो इंचार्ज कौन है, जल्दी से बताइए। यस गाइज, ओके, नो इट इज नॉट नेसेसरी इट विल वर्क अंडरग्राउंड, जरूरी नहीं है कि अंडरग्राउंड काम करेगा। ओके, अंडरग्राउंड काम करने वाला कंपल्सन नहीं है, ये अबाउ द ग्राउंड भी काम करेगा। एक स्टील का एक पैनल होता है, स्टील के पैनल के अंदर वैक्यूम क्रिएट करके हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का यूज करके ट्रैवल करेंगे। तो इट इज नॉट नेसेसरी इट विल गो ऑलवेज अंडरग्राउंड, ये अबाउ द ग्राउंड भी वर्क कर सकता है मेरे दोस्त। ठीक है, पॉइंट याद रखना। यस वीके पॉल, एब्सोल्युटली राइट। ओके, वीके पॉल कमेटी बहुत बढ़िया, भाई इनका नाम मत भूलिएगा, इनका नाम बहुत ज्यादा मैटर करता है। चलो यस, नाउ एक और चीज मैं आपको पूछना चाहता हूं कि एक और क्वेश्चन है आपके लिए। मुझे बताइए अभी जो फार्मर्स का सब चल रहा है, फार्मर्स इतना प्रोटेस्ट बैठे, मैं भी उसमें नहीं जाऊंगा, मैं पॉलिटिकली एंटर नहीं करूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, आई विल नॉट गो इनटू दैट। पर मेरा एक क्वेश्चन आपको ये कि फार्मर्स के लिए नए बिल लाए गए के, उस नए बिल को बनाने से पहले कमिटी बनाई गई थी के, उस कमिटी के इंचार्ज कौन थे, बिकॉज वो भी नीति आयोग से ही बिलोंग करते हैं।
तो उनका वापस एक बार नाम चर्चा में आ चुका है, बिकॉज उनके कहने पे ही ये नए बिल्स बनाए गए थे, और उन नए बिल्स को लेके ही हमारे जो फार्मर्स है वो अनशन पे बैठे हुए, कि फार्मर्स ऑब्वियसली देश के लिए बहुत मैटर करते हैं, पर ठीक है, हम उस पॉइंट के ऊपर अभी इतना नहीं जाएंगे, बिकॉज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। पर अभी हम लोग बात करेंगे कि भाई वो जो बिल्स थे, वो बिल बनाने के लिए जो कमिटी बनाई गई थी, उस कमिटी के इंचार्ज कौन थे, जल्दी से बताइएगा। के चलो, यस, फाइट क्लब ने एक अच्छा पॉइंट हमें मेंशन किया, शायद मैं उसको भूल गया था बताने के लिए। टाटा एंड पॉस्को नाम की दो बड़ी स्टील कंपनीज है, ये दोनों बड़ी स्टील कंपनी वर्जिन को हेल्प कर रही है वो स्टील के चेंबर्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, चलो मैंने क्वेश्चन पूछा, आपको कोई बताएगा उसका आंसर? यस गाइस, वीके सारासा साहब का नाम देख लिया, वीके पॉल साहब का नाम देख लिया, के यस, एनीवन कैन एनीवन आंसर द क्वेश्चन? के नो, तोमर साहब तो हमारे मिनिस्टर है, के तोमर साहब तो हमारे मिनिस्टर है, के विवेक देबरॉय नाम सुना आप लोगों ने? विवेक देबरॉय नाम सुना है? लास्ट टाइम किसी ने बताया था मुझे, लास्ट टाइम आप में से किसी ने बताया था कि सर विवेक देबरॉय साहब का नाम आपने आपने बस थोड़ा सा नाम का स्पेलिंग गलत लिख दिया था। के सो विवेक देबरॉय साहब की हम लोग बात करेंगे, ही वॉज रेस्पॉन्सिबल, ही वॉज द इंचार्ज ऑफ दैट ग्रुप। ओके, वो उस ग्रुप के इंचार्ज थे, उनका भी स्टेटमेंट अभी कुछ दिनों पहले आया था, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, सो विवेक देबरॉय साहब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ओके, तो उनके चीजें, तोमर साहब हमारे हमारे कोई इसके मेंबर के अंडर नहीं आएंगे, ठीक है, चलेगा। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन चीफ हैज रिलीज्ड हाउ मच अमाउंट फ्रॉम इट्स इमरजेंसी फंड टू सपोर्ट वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू जेंडर बेस्ड वॉयलेंस। के विवेक, विवेक, ओके, अर्चना जी विवेक नहीं, इट्स विवेक, के इट्स विवेक। ठीक है, चलो याद रखिएगा। के नहीं तो विवेक ओबराय आ जाएगा, विवेक ओबराय का नहीं है, विवेक देबरॉय के, कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। यस यस, हनी प्रोडक्शन के लिए भी वही थे, एब्सोल्युटली। ओके, एग्रीकल्चर की बात आएगी तो वो आएंगे, टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो वीके सारस्वत आएंगे, और अगर हम बात करते रिगार्डिंग हेल्थ की बात आएगी तो हमारे आएंगे वीके पॉल साहब। तो याद रखना, टेक्नोलॉजी सारस्वत साहब को दे दिया है, एग्रीकल्चर दे दिया है हमने विवेक देबरॉय साहब को, और हमने दे दिया है हेल्थ टू द वीके पॉल साहब को। तो इस तरीके से आपको याद रखने के लिए बड़ा ईजी जाएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। यस, द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन चीफ हैज रिलीज हाउ मच अमाउंट फॉर इट्स इमरजेंसी फंड फॉर द वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यस यस, यहां पे आपका आंसर ऑलरेडी सही है, 25 मिलियन USD। मुझे बताइए, हमने द वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन का एक डे भी हमने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया था मंथ ऑफ नवंबर के अंदर, और हमने डिस्कस भी किया है कि वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन के उसी टाइम पे ये फंड इश्यू किया गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन चीफ के तरफ से, कि भाई इस 25 मिलियन USD को हम लोग यूज करेंगे महिलाओं के अगेंस्ट जो भी वॉयलेंस हो रहा है, जेंडर बेस्ड जो भी वॉयलेंस हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। लॉकडाउन में हमारे सेलिब्रिटीज ने भी डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट काफी अच्छी आवाज उठाई थी। कि चलो मुझे बताइए कि भाई कौन सा डे होता है जब हम लोग अगेंस्ट वेमेन वाला हम लोग, यस यस, ऑरेंज इस बार का द, यस ऑरेंज द वर्ल्ड नाम का थीम था, 25 नवंबर को हम लोग इसको करते हैं, बहुत बढ़िया। ओके, ऑरेंज द वर्ल्ड का फोकस ये था, फंडिंग, फंडिंग। देखिए कैसा होता है, ये इतने बड़े बड़े कैंपेन्स, इन सारे कैंपेन्स को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ऑरेंज द वर्ल्ड ये फंडिंग का इनिशिएटिव है जो महिलाओं के अगेंस्ट जो भी वायलेंस होता है उसको रोकने के लिए। तो उसी फंडिंग के अंदर 25 मिलियन का फंडिंग ये हमें यूएन के तरफ से मिला हुआ है। ओके, तो ऑरेंज द वर्ल्ड सामने फंडिंग याद रखना, ये आपके लिए बहुत मैटर करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रेजर पे के बेंगलुरु बेस एक फिनटेक कंपनी है, के द फाइनेंशियल सॉल्यूशन कंपनी हैज अनाउंस द पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च रेजर पे कॉर्पोरेट कार्ड। फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, के बड़ी बेहतरीन है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए एक मीडिएटर का काम रेजर पे करता है, के काफी जगहों पे इन्वॉल्व है। आपने अगर देखा होगा तो जो फ्लिपकार्ट के फाउंडिंग मेंबर्स है, मिंत्रा के जो फाउंडिंग मेंबर्स है, स्नैपडील वाले जो है, दे आर दी इन्वेस्टर्स इन टू दिस कंपनी, इस कंपनी के इन्वेस्टर्स है। सो रेजर पे के दे स्टार्टेड कॉर्पोरेट कार्ड, कॉर्पोरेट कार्ड का मतलब के जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, के उसी तरीके से जिनका बिजनेस है, के जिनके बिजनेस है उनको कॉर्पोरेट कार्ड दिया जाएगा, स्पेशली स्टार्टअप्स को ये कॉर्पोरेट कार्ड मिलेगा, और वीजा के साथ मिलके, के यहाँ पे मास्टर कार्ड नहीं, यहाँ पे वीजा के साथ है, के सो वीजा के साथ मिलके यहाँ पे टाई अप किए गए रेजर पे ने। तो याद रखना सीन क्या है, कॉर्पोरेट कार्ड सपोज मेरा कंपनी है, के तो कंपनी को एक कॉर्पोरेट, कंपनी के ओनर को कॉर्पोरेट कार्ड मिलेगा। अब इसका यूज कहां करेंगे, ऑपरेशनल कॉस्टिंग
मीटिंग होती है, सपोज कोई कंपनी का ओनर है कि अभी इस महीने शायद बिजनेस नहीं हो पाया, पर अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा, अपने कुछ एम्प्लॉयज की सैलरी करनी पड़ेगी, तो कॉर्पोरेट कार्ड का यूज करके आप ये ऑपरेशनल चीजें यूज कर सकते हो या ऑपरेशनल फंडिंग आप यूज कर सकते हो, जिसको वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, कि बाद में आप पैसा वापस कर दीजिए, बाद में आप रिटर्न कर दीजिए, बट यू कैन यूज दैट मनी फॉर जो आपके वर्किंग कंडीशंस को मैनेज करने के लिए, आपके ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए. सो रेजरपे एंड वीजा दे स्टार्टेड दिस कॉर्पोरेट कार्ड वाला सिस्टम, याद रखिएगा, ओनली फॉर द बिजनेसेस. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द हुतात्मा दालन के मार्टियर्स गैलरी डेडिकेटेड टू द ब्रेव हार्ट्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन मुंबई टेरर अटैक. 26/11 को 12 साल हो गए के, तो उनकी याद में जितने भी हुतात्मा थे के, उनकी याद में हमने एक गैलरी क्रिएट की हुई है के, ये गैलरी कहां पे, किसने इनॉग्रेट की. बेसिकली गैलरी इज क्रिएटेड इन मुंबई, मुंबई के अंदर गैलरी क्रिएट की गई है के, मुंबई का जो पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर में क्रिएट किया और उद्धव ठाकरे साहब ने यहां पर लॉन्च किया. यस, एमएसएमई ज्यादा मैं यहां पे बात करूंगा, दैट इज स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस प्लस स्टार्टअप्स की बात करेंगे. ओके, उनके लिए, इनके लिए स्टार्ट किया गया, तो याद रखना स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज एज वेल एज स्टार्टअप्स की बात करेंगे, उनके लिए इसको यूज स्टार्ट किया गया है. बेसिकली एमएसएमई मीन्स मीडियम इंडस्ट्रीज को यहां पे इन्वॉल्व नहीं किया गया. ओके, यहां पे आपका आंसर सही है, उद्धव ठाकरे साहब की बात करेंगे, महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर में इसको स्टार्ट किया गया. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट, Which of the following countries has India signed an MOU for the developing corporation in the field of environmental protection and biodiversity conservation? Now, this is a very, very important news. Okay, ये काफी important है, ध्यान रखिएगा. Now, environment protection और biodiversity conservation के purpose के लिए we have started one, हमने एक tie up किया, हमने एक MOU sign किया. वो MOU किसके साथ sign किया, चलो. Yes guys, जल्दी से बताइए. Yes, anyone? Yes, answer is right. फिनलैंड की यहां पे बात करेंगे. एब्सोल्युटली राइट आंसर, फिनलैंड की यहां पे बात करेंगे. फिनलैंड के साथ ये टाई अप किया गया कि फिनलैंड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एग्रीमेंट साइन किया है. बहुत बढ़िया. ओके, हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ द फिनलैंड के. और यूरो की बात करें, यूरो इज द करेंसी दे आर यूजिंग नॉर्मली. सो अमेजिंग कंट्री है, एनवायरमेंट को लेकर काफी एक्टिव है, एंड दे साइन दिस एग्रीमेंट की इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए यहां पर काम किया जाएगा. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, फाइन, आगे बढ़ते हैं. Yes, yes, yes. Sanna Marin is the youngest of world's youngest prime minister. She also belongs to the Finland. Absolutely right. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Yes, happiness index. चलो क्या बात है, अच्छे अच्छे points आप लोग बना रहे हैं. मनीष कैंडी, ओके, बहुत बढ़िया. ओके, फाइन. MOU is memorandum of understanding, my dear friend. MOU का मतलब है memorandum of understanding. Yes, हमने last time अफगानिस्तान के summit की बात की थी. अफगानिस्तान का summit के जो जिनीवा के अंदर हुआ, उसके लिए भी sponsorship ये फिनलैंड ने ही दी हुई थी. तो फिनलैंड काफी हद तक न्यूज में चल रहा है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following state has decided to denotify the Shivalik Elephant Reserves, paving the way for expansion of Jolly Grant Airport? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की बात करेंगे तो सबको पता है भाई कहां पे, कि देहरादून के एयरपोर्ट की बात हो रही है. उत्तराखंड के अंदर ये शिवालिक एलिफेंट रिजर्व हमारे पास है, कि राजाजी नेशनल पार्क के उसी टेरिटोरी के अंदर ये शिवालिक एलिफेंट रिजर्व आता है, राजाजी नेशनल पार्क के टेरिटोरी के अंदर. ओके, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना किया था, फिर भी उत्तराखंड के स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इसको डीनोटिफाई कर दिया. इसका मतलब है अब इसको एलिफेंट रिजर्व नहीं कहेंगे, इसकी वजह से यहां पे अभी कंस्ट्रक्शन हो सकता है. देखिए, लॉ के साथ बेंड करने का तरीका हो गया ये, कि आपने जिस चीज को वाइल्ड लाइफ बोर्ड बोल दिया तो वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकते. अभी आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो आपने लॉ ही चेंज कर दिया, आपने लॉ के अंदर उसको निकाल ही दिया. तो दिस इज नॉट द गुड वे एक्चुअली. ओके, बट अभी हर किसी के अपने प्रॉब्लम होते हैं, सो विल नॉट गो इन टू दैट. बट इसका इंपैक्ट एलिफेंट के लाइफ के ऊपर या एलिफेंट के प्रोटेक्शन के ऊपर काफी बड़ा हो सकता है, ये काफी लोग कह रहे हैं, बिकॉज यहां पे एयरपोर्ट बनेगा तो इट इज गोइंग टू क्रिएट सम प्रॉब्लम ऑल्सो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड द हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम इन हाउ मेनी स्टेट्स विच विल सेटअप इन द हेल्प ऑफ नैफेड. के नैफेड की यहां पर बात कर रहे हैं, नेशनल एग्रीकल्चर
मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन की बात करते हैं, नाफेड के 1950s में नाफेड क्रिएट किया गया था एग्रीकल्चर के मार्केटिंग पर्पस के लिए. तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, मैं शायद कोऑपरेटिव वर्ड भूल गया था, तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, सॉरी मार्केटिंग फेडरेशन इज द नाफेड फुल फॉर्म. तो हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इंडिया में क्रिएट कर रहे हैं मिशन हनी के लिए. ये भी यहां पे भी विवेक देवराय साहब ही है कि उन्हीं के कहने पे इसको क्रिएट किया गया है. और यहां पे स्टेट से पांच स्टेट्स, जल्दी से पांचों स्टेट्स के नाम बताओ, जल्दी से पांचों स्टेट्स के नाम बता दो कि कौन से पांच स्टेट्स है, फटाफट कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. एंड तोमर साहब ने अनाउंसमेंट कर दी, विवेक देवराय साहब यहां भी इन्वॉल्व थे कि ये पॉइंट याद रखना. और नाफेड का फुल फॉर्म है दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन. ठीक है, ओके, चलो. राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल. ओके, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार एंड द वेस्ट बंगाल, एब्सोल्यूट राइट. ओके, पांच स्टेट्स यहां पे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओके, एब्सोल्यूटली राइट आंसर. चलो आगे बढ़ते हैं. एफसी कोहली साहब की बात करेंगे, फकीर चंद कोहली साहब की बात करेंगे, फादर ऑफ इंडिया आईटी इंडस्ट्री के, वन ऑफ द वेरी फेमस पर्सन, वन ऑफ द वेरी फेमस पर्सनालिटी के, जिनको पद्म भूषण से नवाजा गया था. तो क्वेश्चन ये है कि इनको पद्म भूषण कब मिला था, के इनको पद्म भूषण कब मिला. चलो मुझे इसका आंसर दे दीजिए. वन ऑफ द वेरी फेमस बिकॉज टीसीएस के ये पहले सीईओ थे, के टीसीएस को काफी हद तक लेके गए, आईबीएम को इंडिया में लाने वाले, बिकॉज टीसीएस ने आईबीएम के साथ टाइप किया था और आईबीएम जब इंडिया में आया था तो ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट. और काफी, बिकॉज इंडिया में जो भी आईटी इंडस्ट्रीज है, सारे आईटी इंडस्ट्रीज के पायोनियर यही है, फकीर चंद कोहली साहब की बात करेंगे. पाकिस्तान में इनका बर्थ हुआ था, कि बाद में ही वाज गोइंग टू फॉर द नेवी, पर नेवी छोड़ के ही वेंट टू कनाडा, क्वींस यूनिवर्सिटी, उसके बाद एमआईटी में गए, के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बने वहां से. जब इंडिया वापस आए तो ही वॉज वर्किंग फॉर द टाटा, टाटा के लिए ही काम करते थे. बाद में टीसीएस, इनकी मदद से टीसीएस क्रिएट किया गया और 2002 में इनके इस अचीवमेंट के लिए इनको अवार्ड से नवाजा गया, दैट इज अ पद्म भूषण. तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इंडिया साइंड इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट फॉर हाइड्रोग्राफी. मैंने हाइड्रोग्राफी की बात की थी, आपको पता है मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी कि सी, सी या ओशन को स्टडी करने के लिए जो मैकेनिज्म है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको हम लोग हाइड्रोग्राफी कहते हैं. कि हमने उस हाइड्रोग्राफी की बात की थी, तो मुझे बताइए हाइड्रोग्राफी के लिए हमने किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया. ये वो कंट्री है जिसकी भी चाइना के साथ नहीं जमती, कि ये भी है जो चाइना से थोड़ा सा रूठा हुआ कंट्री है. कि सो दैट कंट्री एंड इंडिया टूगेदर they signed one agreement for the hydrography, ocean को properly study करने के लिए, ocean का properly understanding लेने के लिए यह agreement किया गया. और answer है यहाँ पे Vietnam, absolutely right, Vietnam is the answer over here. Okay, मुझे जल्दी से बता दीजिए कि भाई Vietnam का capital क्या है और Vietnam का currency क्या है, जल्दी से उसका answer comment section में डाल दीजिए कि Vietnam का capital क्या है और Vietnam का currency क्या है. answer आपका सही है, hydrography के लिए हमने Vietnam के साथ tie up करके रखे हैं. Okay, चलो. Yes guys, okay. वियतनाम इज डोंग, ऑलरेडी आंसर आ चुका है. ओके, वियतनाम का कैपिटल बता दीजिए जल्दी से. के यस, एशियान की बात करते हैं, एशियान के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. 21 जून को हम लोग हाइड्रोग्राफी डे भी सेलिब्रेट करते हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है, काफी अच्छे पॉइंट आ गए. ओके, हनोई, यस एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. ओके, हनोई की बात करेंगे एंड द डोंग इज द करेंसी, बहुत बढ़िया. और वियतनाम वैसे भी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस कंप्यूटर्स एंड द मोबाइल फोन इज अ वेरी वेरी फेमस कंट्री. ओके, यस एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 26 नवंबर वर्चुअली इनॉग्रेटेड द विच एडिशन ऑफ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो रीइन्वेस्ट. ओके, अभी मोदी साहब ने लॉन्च किया था. मोदी साहब का यह कहना है कि 2022 तक 220 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्रिएट करेंगे ओनली बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी. ओके, तो यह अनाउंसमेंट मोदी साहब ने की 2022 तक हमें 220 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी ये डेवलप करनी है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू. ओके, और उसके लिए कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस का थर्ड एडिशन था इस कॉन्फ्रेंस का, और जो रिसेंटली मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया. पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे मोदी साहब ने कहा कि पहले हम लोग 175 गीगावाट प्रोड्यूस करने वाले थे 2022 तक, मोदी साहब ने इसको चेंज करवा दिया और अभी कर दिया 220 गीगावाट हम लोग 2022 तक बनाएंगे. ये हाईलाइट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस री इन्वेस्ट का. यहां पर आपको सेकंड मीटिंग का फोटो दिख रहा है, जो थर्ड मीटिंग है ये वर्चुअली की गई,
थी मोदी साहब ने वर्चुअल। आप देख सकते हो यहाँ पे मोदी साहब की दाढ़ी भी थोड़ी छोटी है, ओके अभी आपको पता है एकदम बाबा बने बड़े के। सो ये थर्ड वाला मीटिंग वर्चुअली था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलो यस यस वी एब्सोल्युटली गोल्ड प्लेटेड जिसकी हम लोग बात करते हैं, बहुत बढ़िया मनीष, ओके अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया। चलो इंडियन नेवी हैज इंडक्टेड हाउ मेनी MQ-3B सी गार्डियन अनमैंड एरियल व्हीकल्स फ्रॉम द यूएसए ऑन द लीज। हमने लीज पे लिए, मैंने कहा था इमरजेंसी फंड के अंदर हमने लीज पे लिया हुआ है, के इमरजेंसी फंड हमने डिफेंस को दिया था कि भाई 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड आपके पास है के, तो उस एंगल में हमने बात की थी कि 500 करोड़ का जो इमरजेंसी फंड डिफेंस को मिलता है उसके लिए उनको डिफेंस मिनिस्ट्री की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, आप कभी भी खरीद सकते हो, लीज पे ले सकते हो। तो हमने लीज पे हमने दो यूएवीज हमने लीज पे लिए स्पेशली ओशन को गार्ड करने के लिए, स्पेशली ओशनिक एरिया को गार्ड करने के लिए, प्लस जो लेह लद्दाख का एरिया जहां पे चाइना का प्रॉब्लम चल रही है उसको भी गार्ड करने के लिए यूज करेंगे। तो तमिलनाडु का जो बेस है नेवी का, उस बेस के अंदर इसको रखा गया है, वहां से इसको ऑपरेट करते हैं, पर इसका नॉर्मली ओशन के लिए, तो नेवी के हाथ में गया, तो ओशन को गार्ड करने के लिए चेक करेंगे, बिकॉज यू नो चाइना हाउ मच चाइना इज एक्टिव। और इसके अलावा इसको लेह लद्दाख के लिए भी यूज कर रहे हैं, और लीज पे लिया गया है, सो लीज पे लेने से काफी फायदा होता है, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लीज पे लीजिए, जब बाद में जरूरत पड़ेगी तो खरीद भी सकते हैं, एंड दैट इज अ पॉइंट मेंशन। तो वन ईयर के लीज के लिए यहां पर लिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फाइन। हैदराबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी हेटेरो ड्रग्स हैज रीच एन एग्रीमेंट टू प्रोड्यूस 100 मिलियन डोजेस पर ईयर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इन इंडिया। नाउ इंडिया में काफी वैक्सीन बन रहे, एक प्रॉब्लम चल रही है, आपको पता है जो ऑक्सफर्ड और सीरम वाला वैक्सीन है उसको लेकर प्रॉब्लम चल रही है, जिनके ऊपर उसका टेस्टिंग हुआ, ओके उन्होंने कंप्लेन डाली, उन्होंने केस डाली हुई है उनके अगेंस्ट, ओके बट सीरम इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो सीरम ने उल्टा केस डाल दिया, पर वो केस एक्चुअली है, ओके बिकॉज जो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनमें वो केस अभी भी चल रही है। सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंडिया के ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, इंडिया के सीन के ऊपर। या तो स्पुटनिक की बात करेंगे, स्पुटनिक 5 इज एब्सोल्युटली राइट, के एब्सोल्युट राइट, स्पुटनिक 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो। सो स्पुटनिक 5 के उसका वैक्सीनेशन अभी हेटेरो बनाएगा, और डॉक्टर रेड्डीज ने स्पुटनिक 5 का क्लिनिकल ट्रायल्स हैंडल कर रहे हैं, तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ये ट्रायल्स को हैंडल कर रहे हैं, और स्पुटनिक 5 की बात करें तो हेटेरो जो हमारा फार्मास्यूटिकल कंपनी हैदराबाद बेस्ड वो उसको क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो यस याद रखिएगा, यस यस ओके। नाउ कोवैक्सिन को लेके काफी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ओके उसका न्यूज काफी बड़ा होगा, बिकॉज जिनके ऊपर ट्रायल्स हुए उसमें से एक बंदे ने कंप्लेंट फाइल कर दिया प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, ओके अब लेट्स सी वो केस कहां पे जाते हैं, बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग द ह्यूज बज, तो थोड़ा न्यूज़पेपर में उसको फॉलो करते रहिए, वो भी आपके लिए मैटर करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। यस यस यस, चाइना के मीडिया ग्रुप में से एक स्टेटमेंट आया कि दैट COVID-19 ना, उनका क्या कहना है पता है, चाइना का क्या कहना है कि COVID-19 का जो स्ट्रेन है जो आजकल पूरे दुनिया में फैला हुआ है वो चाइनीज स्ट्रेन नहीं है, वो इंडियन स्ट्रेन है, के तो वायरस अपने आप में म्यूटेट करते हैं, वायरस अपने आप में म्यूटेट करते हैं और बहुत फास्ट म्यूटेट करते हैं। तो चाइना ने यह क्लेम किया है कि जो COVID-19 का जो फिलहाल अभी एक जो टाइप चल रहा है, दैट टाइप इज नॉट चाइनीज टाइप, के दैट टाइप इज इंडियन टाइप, ओके तो उन्होंने पूरा ब्लेम इंडिया पे डाल दिया कि जो नया COVID-19 का वायरस जो फैल रहा है इट इज एक्चुअली फ्रॉम द इंडिया, ऐसा चाइना के मीडिया के ऑफिस ने क्लेम किया है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक, चाइनीज गवर्नमेंट ने, पर चाइना का मीडिया चाइनीज गवर्नमेंट का ही मीडिया है, के तो एनीवेज तो वो उनका कहना है। चलो एनी आगे बढ़ते हैं, यस प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दिल्ली कहां पे आता है, दिल्ली की रैंक 27th है, के प्राइम ग्लोबल सिटीज इज अ नाइट के नाइट फ्रैंक नाम की इंग्लैंड बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज है जो 1800 के टाइम क्रिएट की गई थी, उस कंपनी ने ये रिपोर्ट दिया। इसमें अगर बात की जाए हमारे मुंबई की और हमारे अगर दिल्ली की बात की जाए तो मुंबई 33rd रैंक पे, दिल्ली 34th रैंक पे, और सबसे ऊपर है ऑकलैंड, ऑकलैंड इज द सिटी फ्रॉम द न्यूजीलैंड जो सबसे ऊपर आती है, ऑकलैंड, मनीला, सेओल की बात करेंगे, सेओल फ्रॉम द साउथ कोरिया, ये सबसे ऊपर में जाती है, के और अगर बात की जाए रिगार्डिंग द मुंबई की 33rd है और दिल्ली सॉरी बेंगलुरु 34th रैंक पे आता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, देखिए अभी ना इंडियन मीडिया एक अलग डिस्कशन में जाएगा, द डिस्कशन विल बी चाइना ने ये कहा, चाइना ने वो कहा। देखिए इंडियन मीडिया की एक आदत है हमें मेन टॉपिक से भटकाना, के मेन टॉपिक कुछ और चल रहा है, बिकॉज इंडिया में आजकल प्रोटेस्ट चल रहा है, के तो अभी चाइना पे चले जाएंगे, आप उसमें मत जाइए। चाइना ने कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोल दिया कि भाई ये इंडिया से आया हुआ है, ओके फर्क तो पड़ेगा नहीं, बिकॉज पूरी दुनिया को पता है कि कहां से आया हुआ है, के सो
और कहीं से भी आया होगा, अब उस कंट्री को थोड़ी ना जेल में डाल सकते हैं कि वी कांट डू एनीथिंग, हमने चाइना का कुछ नहीं कर पाया कि तो कोई हमारा क्या करेगा। दैट्स व्हाई डोंट गो इनटू सच काइंड ऑफ डिस्कशंस कि कहां से आया, ये हमारा टाइम बर्बाद करेंगे और हमारा फोकस डाइवर्ट करेंगे। ध्यान रखना वैक्सीन की तरफ, वो मैटर करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ना -7.5 करंट जीडीपी ऑफ इंडिया इज -7.5 माय डियर फ्रेंड आनंद के। इस -7.5 अभी अभी रिपोर्ट आया था, हमने उस दिन डिस्कस भी किया है -7.5। ठीक है, इंडियाज पोस्ट पेमेंट बैंक हैज जॉइंड हैंड्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करते हैं तो मुझे बताइए उसके लिए रिसेंटली इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने किसके साथ टाइप किए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर ₹330 का प्रीमियम होता है के और 2 लाख तक का यहां पे इंश्योरेंस कवर मिलता है एनी काइंड ऑफ डेथ के लिए, और काइंड ऑफ अगर आपको कुछ इंजुरीज होती है तो 2 लाख परमानेंट इंजुरीज होती है, 2 लाख तक का आपको इंश्योरेंस मिलेगा। सो डेथ एज वेल एज परमानेंट इंजुरीज आर कवर्ड विद द ₹330 का यहां पे प्रीमियम है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बड़ी बेहतरीन है, बड़ा सक्सेसफुल काम किया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। यहां पे पीएनबी मेट लाइफ के, यस पीएनबी मेट लाइफ के साथ यहां पे टाइप किए गए हैं और जो हमारे एग्जाम के लिए काफी क्रूशियल है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना पीएनबी मेट लाइफ के, ये फर्स्ट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ₹330 का प्रीमियम है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर ₹12 का प्रीमियम था और जीवन ज्योति के अंदर ₹330 का प्रीमियम है। याद रखना 2 लाख का इंश्योरेंस कवर है एनी काइंड ऑफ डेथ और परमानेंट अगर आपको इंजुरीज होती है उसके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट के। यस नेक्स्ट आपके लिए, आपके स्क्रीन के ऊपर यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद लॉन्च द इंटरनेशनल वर्जन ऑफ उमंग ऐप टू मार्क विच एनिवर्सरी ऑफ द ऐप के। उमंग ऐप की बात करते हैं ना, उमंग ऐप का इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया गया। जो इंडियंस है जो बाहर कंट्री में पढ़ने के लिए गए हैं, जो बाहर कंट्री में काम करने के लिए गए, अगर उनको इंडियन गवर्नमेंट की सर्विसेज की जानकारी चाहिए तो उनको उमंग ऐप के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मुझे उमंग का फुल फॉर्म बता दीजिए कि मेरे लिए वो मैटर नहीं करेगा एनिवर्सरी कौन सी थी। एनिवर्सरी तो आप लोग मुझे बता दोगे कि भाई थर्ड एनिवर्सरी थी 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था कि बहुत बढ़िया। यस एब्सोल्युटली ओके। नाउ मुझे एक बात बताइए कि भाई उमंग का फुल फॉर्म क्या है, बिकॉज ये ई गवर्नेंस के लिए इसको लॉन्च किया गया कि जो हम ऑनलाइन गवर्नेंस की बात करते हैं उसके लिए उमंग को लॉन्च किया गया। और यहां पे ईपीएफओ, आपको पता होगा ईपीएफओ का या इसको प्लैटिनम अवार्ड भी मिला है, बिकॉज ईपीएफओ ने काफी अच्छा यहां पे वर्क किया है। तो ईपीएफओ प्लैटिनम अवार्ड भी दिया गया बाय दी रविशंकर प्रसाद मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से। तो उमंग का फुल फॉर्म बता दीजिए जल्दी से फटाफट के। यस 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 एब्सोल्युटली आप लोगों ने यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर द न्यू एज गवर्नर आशुतोष, बहुत बढ़िया राजा, बहुत बढ़िया। ओके चलो सबके आंसर आना शुरू हो गए 13 लैंग्वेज में, ये भी पॉइंट बता दिया आप लोगों ने। 2017 में लॉन्च किया था कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये पॉइंट है उमंग का, याद रखना। और 13 लैंग्वेजेस में ऐप है कि गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज सारी चीजें आपको यहां से मिल सकती है। और ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसको प्लैटिनम अवार्ड मिला है सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन करवाने के लिए। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, यस बहुत बढ़िया, यस 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 25 लाख ट्रांजेक्शन की हम लोग बात करते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। नाउ ये तो हमने तभी देखा था एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी इस क्वेश्चन के ऊपर कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऑरेंज द वर्ल्ड के, हमने उस थीम के ऊपर बात किया था। फंडिंग के लिए, फंडिंग को मैनेज करने के लिए हमने इसकी बात की थी। और यूनाइटेड नेशन के ह्यूमैनिटेरियन के तरफ से यहां पे 25 मिलियन की भी बात की गई थी, ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया। तो यहां पे ज्यादा वक्त नहीं लगा, 25 मिलियन यूएसडी इज गिवन बाय द ह्यूमैनिटेरियन, यूएन ह्यूमैनिटेरियन की तरफ से मिला था के। और यहां पे ऑरेंज द वर्ल्ड ये कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ऑन नवंबर 21st प्रेजेंटेड द 21st लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन फिलंथ्रॉफी टू होम के। नाउ एक्सेलेंस इन फिलंथ्रॉफी की हम लोग बात करेंगे। यस इन द मेमोरी ऑफ मीराबाई सिस्टर्स, एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया के। यस आनंद अच्छा पॉइंट मेंशन किया आपने, बहुत बढ़िया दोस्त के। चलो मुझे बताइए नाउ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस, ओके ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एक्चुअली लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे ऊपर हमारे पास फाउंडेशन है, ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की तरफ से अवार्ड मिलता है। फिलंथ्रॉफी का ये अवार्ड है कि ऐसे बिजनेस मैन या बिजनेस वेमेन जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है देश को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे सुधा मूर्ति जी की बात करेंगे, इंफोसिस फाउंडेशन की ये चेयरपर्सन, इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है,
इन्फोसिस की नहीं, ओके okay. तो नारायण मूर्ति साहब उनकी वाइफ है एंड शी गॉट दिस अवार्ड, याद रखेगा ठीक है। चलो आगे बढ़ते नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द इंडिया विल होस्ट द G20 समिट। G20 समिट इंडिया में पहले एक अलग ईयर में होने वाली थी के उसके लिए हमने 100 करोड़ भी निकाल के रखे थे, पर हमने इंडोनेशिया के साथ इंटरचेंज कर दिया। इंडोनेशिया को कहा कि आप हमारे टाइम पे उसको ऑर्गेनाइज कीजिए, हम आपके टाइम पे ऑर्गेनाइज करते हैं। इंडोनेशिया को भी अच्छा था बिकॉज इंडोनेशिया के अंदर 2023 में एशियन का कॉन्फ्रेंस है, तो इंडोनेशिया ने कहा कि हम 2022 में ऑर्गेनाइज कर लेते, और इंडिया जो 2022 में ऑर्गेनाइज करने वाली थी अभी 2023 में ऑर्गेनाइज करेगी, बिकॉज इंडिया को भी थोड़ा सा टाइम फ्रेम मिल जाएगा। COVID-19 का प्रॉब्लम काफी बड़ा हमने फेस किया है, 100 करोड़ ऑलरेडी हमने निकाल के रखे थे बजट में इसके प्रिपरेशन के लिए, G20 को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस बार सऊदी अरेबिया के अंदर G20 का मीटिंग चल रहा है कि सऊदी अरेबिया फिलहाल G20 के मीटिंग को हैंडल कर रही है कि 22 में हमारे पास था, इंडोनेशिया के पास चला गया और बाद में वो गया है, उसके बाद अभी 23 वाला हम हैंडल करेंगे ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट आंसर, फाइन आगे बढ़ते हैं। HDFC अगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज टाइड अप विद विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक टू ऑफर द कस्टमाइज इंश्योरेंस सॉल्यूशन फॉर द कस्टमर। HDFC अगो की बात करते हैं, यहां पे भी पेमेंट बैंक की बात करेंगे, वहां पे हमने बात की थी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, वहां पे PNB MetLife था के उन्होंने सुरक्षा बीमा योजना के लिए लॉन्च किया। यहां पे HDFC अगो की बात करेंगे, इन्होंने कौन से पेमेंट बैंक के साथ टाइप किया है इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए। चलो यस गाइज के यस इटली इंडोनेशिया इंडिया एंड ब्राजील। ओके ब्राजील दोस्त 21 में नहीं है, ब्राजील हमारे बाद है के ब्राजील हमारे बाद है, पर हमारे पहले 21 वाला मेरे ख्याल से अक्षय बाकी लोगों ने भी डाल दिया। यस बाकी लोगों ने भी डाल दिया। 21 में दोस्त हमारा इटली के अंदर है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। यस NSDL की बात करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ओके NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की बात करते हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है। 1996 में NSDL को क्रिएट किया था, तो उनकी जो पेमेंट बैंक है उस पेमेंट बैंक के टाइप हुए, इसको बैंक एश्योरेंस कहते हैं। याद रखना जब भी कोई बैंक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप करती है या जब भी कोई बैंक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है तो उसको बैंक एश्योरेंस कहा जाता है। ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत मैटर करेगा, यहां पे भी काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च अभ्यम मोबाइल ऐप के एप्लीकेशन फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स। ओके हमने अभयम की बात की थी, अभयम नाम का मोबाइल ऐप बना के रखा है ताकि महिला जितनी भी ट्रैवल कर रही है तो ट्रैवल महिला एज वेल एज बच्चे दोनों के लिए लॉन्च किया। महिला और बच्चे अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो इवन ऑटोज के अंदर भी उन्होंने GPS लिंकिंग सिस्टम्स बिठा के रखी हुई है, इवन ऑटोज के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के अंदर, ताकि महिलाओं को ट्रैवल करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए के। तो यस चलो बताइए मुझे स्टेट का नाम बताइए। यस यहां पे आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, जगनमोहन रेड्डी साहब की बात करेंगे एंड ही लॉन्च दिस एप्लीकेशन, दिस मोबाइल एप्लीकेशन जहां पे इस काम प्रॉपरली हो रहा है। यस एब्सोल्युटली राइट, यहां पे आंध्र प्रदेश की बात की जाएगी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नाउ विच आर द फॉलोइंग एजेंसी हैज सक्सेसफुली लॉन्च सेंटिनियल 6 मिशेल फेरिलिज सैटेलाइट टू मॉनिटर ग्लोबल ओशन। नाउ ग्लोबल ओशन को मॉनिटर करने के लिए, पूरे ओशन को प्रॉपरली ध्यान रखने के लिए के वी हैव लॉन्च अ सिस्टम के। यस गाइज तो मुझे बताइए दिस सिस्टम इज लॉन्च बाय के, जिनको सेंटिनियल 6 के या मिचेल फेरिलिज उनका नाम दिया गया के। मिचेल फेरिलिज ये नासा के जो स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर हुआ करते थे मिचेल फेरिलिज, उनका रिसेंटली देहांत हुआ, तो उनके नाम पे ये सेंटिनियल 6 अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया। यहां पे तीन लोग इन्वॉल्व है, यहां पे US एजेंसी इन्वॉल्व है, SpaceX इन्वॉल्व है और साथ में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA भी इन्वॉल्व है। देखिए यहां पे कौन कौन है, नासा तो है, SpaceX है के, और साथ में ESA भी इन्वॉल्व है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इन्वॉल्व है, तो इन तीनों ने मिलकर सेंटिनियल को लॉन्च किया, जिसको जो एक्स डायरेक्टर ऑफ द नासा है उनका नाम दिया गया है। यह भी आपके लिए बहुत मैटर करेगा ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंडिया विल लॉन्च डीप ओशन मिशन इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ द मिशन। मैंने कहा था डीप ओशन मिशन की परमिशन मिल चुके इंटरनेशनल मैराटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ओके जिनकी हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, इंटरनेशनल मैराटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को परमिशन दे दी है कि आप डीप ओशन मिशन को कैरी आउट कर सकते हो। तो जो भी ओशन हमारे एरिया में, तो लाइक चाइना, लाइक रशिया, लाइक ऑस्ट्रेलिया, हम भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने कुछ अमाउंट निकाल कर रखा उस मिशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो मुझे अमाउंट बता दीजिए। यस आंसर इज 4000 करोड़, एब्सोल्युटली राइट आंसर, 4000 करोड़ वी आर फेसिंग ऑन, वी आर फोकसिंग ऑन डीप ओशन मिशन। अभी हमारा अमाउंट अनाउंस होने से 2-3 दिन पहले ही चाइना ने
डीप ओशन मिशन स्टार्ट किया था उनका, कि चाइना काफी सालों से कर रही है, बट वी गॉट द परमिशन राइट नाउ, सो आईएमओ की तरफ से हमें परमिशन दी गई है एब्सोल्युटली. के यस, ईईजेड एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ की यहां पे बात करेंगे, एब्सोल्युटली राइट आंसर, बहुत बढ़िया. ओके, मैंने कहा था वो टेरिटोरियल वाटर, कंटिजेंट वाटर, के देन ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड देन कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ओके, तो ईईजेड और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर हमें डीप ओशन का चेकिंग करते हैं. यस, इसरो डीआरडीओ यहां पर काम करेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है, यस यस, स्कूबा डाइविंग से काफी बड़ी चीज है ये. ठीक है, चले चलेगा. यस गाइस, चलो बाय बाय, के टेक केयर. आज का हमारा ये सेशन था, के मजा आया आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए. के आज स्पीड क्विज नहीं आएगी, आज रात में जो स्पीड क्विज आती है वो नहीं आएगी. ओके, हम डायरेक्टली कल मिलेंगे और कल सुबह 7 बजे हम लोग हमारे करंट अफेयर्स के सेशन के ऊपर बात करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए. ठीक है, बाय.